ना कोई ऐसा प्रेरणादायी प्रसंग जिनसे हम विद्यार्थियों में अध्येताओं के बीच में बहुत अच्छी तरह से एक लगन पैदा कर सके, ऐसी कुछ बात करते हुए हम आज के व्याख्यान की आगे शुरुआत करेंगे। और डॉक्टर क्षिप्रा मैडम और आज के हमारे विशिष्ट अतिथि डॉक्टर गीता मैम, मैं आप दोनों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करती हूँ और आज की मैं आपके सामने भूमिका और प्रस्तावना रखती हूँ। जैसे हम सभी जानते हैं कि जिंदगी में कई बार हमारी मानसिकता ऐसी नहीं होती कि इतना है चल जाएगा, इतना है कोई बात नहीं, एक बार शुरुआत करो, सफर की शुरुआत आगे बहुत अच्छे आयाम और मुकाम तक पहुंचाएगी। ऐसी परिस्थिति में मैं आपके सामने एक ऐसा उदाहरण रखना चाहती हूँ कि जो जीवंत है और जिन्होंने अपनी जिंदगी में अपने में रहे हुए कुछ गुणों को पहचान के इस विश्व को बहुत बड़े दृष्टिकोण से अवगत करवाया। ये कहानी है महान सोक्रेटिस, महान दार्शनिक, जो अपने देश के युवाओं को देश के प्रति एक अलग लगन और कर्तव्य निष्ठा के लिए प्रेरित कर रहे थे। महान सोक्रेटिस अपने गांव के बाहर एक जगह चर्चा कर रहे थे फिलोसॉफी की। वहां कोई एक नवागंतुक आता है, तो हम सभी जानते हैं कि ये कोई फेसबुक का युग नहीं है, व्हाट्सएप का युग नहीं है, तब तक टेलीफोन की भी शोध नहीं हुई थी। और एक नव आगंतुक को आता हुआ देखकर सोक्रेटिस अपने शिष्य को कहते हैं कि देखिए हमारे गांव का तो लग नहीं रहा, तो कौन है और इनको किन के घर जाना है। तो उनके शिष्य वहां तक चलकर जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि आप तो नव आगंतुक लग रहे हो, यहाँ के तो नहीं लग रहे हो, आपको किसको मिलना है, तो मैं आपकी सहायता करता हूँ, मेरे गुरु ने मुझे सहायता के लिए भेजा है। उन्होंने कहा कि मैं महान दार्शनिक सोक्रेटिस से मिलने आया हूँ, मुझे उनसे मिलना है, मैंने अपने देश में उनकी बड़ी नाम ना सुनी है कि वो इतने जबरदस्त विचारक है। तो उन्होंने कहा ठीक है आप पधारिए, मेरे गुरु यहीं बैठे हैं और मैं उनका शिष्य हूं। तो वो नव आगंतुक उस शिष्य के साथ चलना शुरू कर दिया। थोड़े सा चलने के बाद उन्होंने लगभग 25 फुट दूर रह गए तो उन्होंने वहां से मना कर दिया, नहीं ये सोक्रेटिस हो ही नहीं सकता। उसने कहा आपने कभी सोक्रेटिस को देखा है, क्योंकि तब व्हाट्सएप और टीवी और ये तो था नहीं ना कि कहीं पिक्चर देखी हो उसकी, तो आपने देखा है कभी सोक्रेटिस को? कहते ना मैंने नहीं देखा है। तो फिर मैं तो उनका शिष्य हूं, मुझे पता है यही सोक्रेटिस है जिनको आप ढूंढ रहे हो और इतनी दूर से आए हो, ये सोक्रेटिस नहीं है, आप किस आधार पर कह रहे हैं? उन्होंने कहा कि मैं इस देश का बहुत बड़ा सामुद्रिक शास्त्री हूँ। सामुद्रिक शास्त्री यानी सामुद्रिक विज्ञाता उसको कहते हैं कि जो किसी भी व्यक्ति के कान की शेप, नाक की शेप, चेहरे का हाव भाव, फोरहेड कैसा है और हाथ की उंगलियों का आकार कैसा है, ऐसा सब देख के उनके गुण अवगुण, उनमें होने वाले रोग और इन सबको बता देते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये सोक्रेटिस हो ही नहीं सकता। क्यों? कहते हैं आपको, अगर सभी को थोड़ा सा उनके बारे में पढ़ा हो तो पता होगा कि सोक्रेटिस जी सुंदर नहीं थे, यानी कि जैसे हैंडसम कहते हैं ना, अगली थे, ऐसा अगली मैं बोलना नहीं चाहती हूँ, मगर ऐसे ऐसे सुरूप नहीं थे। उनकी नाक थोड़ी सी शिमला मिर्च जैसी बड़ी टेढ़ी मेढ़ी सी थी, ऐसा वर्णन में मिलता है। चेहरा भी ऐसा कुछ नहीं था, मगर वो अपने विचारों से जाने जाते थे। तो उस सामुद्रिक शास्त्री ने कहा कि इनकी नाक तो ऐसे शेप की है, ये तो बड़ा क्रोधी, इनका फोरहेड ऐसा है, ये बड़ा कामी और ऐसा व्यक्ति, इतने दुर्गुणों वाला व्यक्ति है, और मैं अपने शास्त्र का बढ़िया ज्ञाता हूं तो मैं कैसे झूठ हो सकता हूँ? झूठ तो तुम कह सकते हो कि ये मेरे गुरु सोक्रेटिस है। जिस व्यक्ति की नामना मेरे देश तक पहुंची है, मैं इतने दूर तक इतने कष्टों को सहन करके इतना सफर करके यहां तक आया हूं, ये वो नहीं है। तो ऐसा सब सुनने के बाद सोक्रेटिस जी तब तक नजदीक आ गए उनके पास और उन्होंने कहा महाशय आप बिल्कुल सही कह रहे हो, मेरे में वो अवगुण है जो मेरी शरीर आकृति को देख के आप बता रहे हो ना, वैसा हूं मैं, मगर ईश्वर ने सभी को कुछ ना कुछ गुण दिए हैं और मेरे में ईश्वर ने विनय और विवेक दिए हैं, और ये विनय विवेक
को मैंने अपने जीवन में उजागर किया, उसको आगे लाया, उसके अनुसार मैंने जीवन जिया, और इसीलिए मेरी इतनी ज्यादा नामना है कि उस विनय और विवेक के पीछे इन अवगुणों को मैंने ढक दिया। तो मैं आप सभी को यही कहना चाहती हूं कि हम सभी के जीवन में कोई ना कोई ऐसा गुण जरूर है। ईश्वर हमें ऐसे नहीं भेज सकता, ऐसा नाइंसाफी हो ही नहीं सकती कि वो हमें कुछ ना दे। हम सब में कुछ ना कुछ दे रखा है, हमें जरूरत है उस गुण को, उस क्वालिटी को जानना, समझना और उसको उजागर करना, इसको एक्सप्लोर करना, उसकी एक उच्चतम कक्षा तक उसको ले जाना, जिससे हम इस जीवन को पूरा पूरा संपूर्णता से जी सके, आनंद ले सके। क्योंकि जो है वो, जैसे कहा जाता है ना कश्मीर के लिए कि स्वर्ग है तो वो यही है, स्वर्ग है तो वो यही है, मगर मैं ये कहना चाहती हूँ कि स्वर्ग है तो इस दुनिया के किसी भी जगह में आप रह रहे हो तो वो स्वर्ग है। वो हमारे विचारों से, हमारी भावनाओं से, हमारे व्यक्तित्व से, हमारे व्यवहार से हम उसको स्वर्ग बना सकते हैं, है ना। तो मैं आप सबसे गुजारिश करती हूँ कि एक बहुत अच्छी जीवन कामना को लेते हुए, जैसे आचार्य चरक जी ने कहा है कि हितायु भी बहुत जरूरी है, अकेले सुखायु से काम नहीं चलता है, तो जहां सामाजिक स्वास्थ्य को भी साथ में बरकरार रखना चाहिए, उसके लिए हमेशा जन आंदोलन की तरह उद्वेलित रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए। जैसे इसीलिए भारतीय संस्कृति कहती है ओम सहना ववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यम करवा वहे, वहां अकेले की कोई भी कामना नहीं की है कि मुझे अकेले को मिले, मैं अकेला खा लूं, मैं अकेला तेजस्वी हो जाऊं, मैं नहीं, हम सभी। तो हम सभी की जो भावना हमारी भारतीय कल्चर, भारतीय संस्कृति दे रही है, वो कहीं ना कहीं हमारी इम्यूनिटी को बहुत बढ़िया रखती है, हमें जीवन में अनेक नए रचनात्मक आयामों को देने की कोशिश करती है। तो हमें उसी के अनुसार काम करना चाहिए, जैसे एक गिलास आधा भरा हुआ है आधा खाली है। बहुत बार आपने पढ़ा होगा कि हर एक के जीवन में कुछ कमी है, कुछ वो है, मगर वो जीवन में पूरा ग्लास भरने की कोशिश कभी नहीं हो पाती। तो आप ऐसे सोचिए कि ग्लास तो पूरा ही भरा हुआ है, आधा पानी से आधा हवा से, है ना, खाली कुछ भी नहीं है, हवा है या पानी है ना। तो वो आपका देखने का नजरिया है। ऐसा ही कुछ आयुर्वेदिक चिकित्सा के लिए, जब आप पेशेंट को देखेंगे तो उस पेशेंट की मानसिकता को किस तरीके से समझना, उसको देव वपाशय चिकित्सा और सत्वावजय में ले जाना और उस विषय को पॉजिटिविटी में खड़ा करना, कहीं ना कहीं हमारे चिकित्सा की सफलता को 100% तक ले जाता है और हमारा पेशेंट उस रोग से बहुत ही अल्प प्रयत्न से भी बहुत जल्दी से ठीक हो जाता है। और हम ओपीडी में बहुत बार ऐसा देखते भी है कि जहां हमने मानसिक संबल दिया वो पेशेंट जल्दी से उस स्थिति से उठ जाता है। ज्यादा समय न लेते हुए मैं आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। और आज के लेक्चर के कोऑर्डिनेटर के रूप में मैं डॉक्टर हार्दिक चुड़ासमा को आमंत्रित करती हूँ। आपने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई, अंडर ग्रेजुएशन की पढ़ाई आपने जूनागढ़ से की, गुजरात गुजरात से, और पोस्ट ग्रेजुएशन शरीर क्रिया विभाग से, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान से की है। अभी आप असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर राजकोट में कॉलेज में कार्यरत है। मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ आज के व्याख्यान के कोऑर्डिनेटर के रूप में। बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू यू डॉक्टर हार्दिक। नमस्ते, थैंक यू वेरी मच मैडम। तो आज हम विश्व आयुर्वेद परिषद राजस्थान प्रांत के कंटिन्यूअस लेक्चर सीरीज के 273वें लेक्चर में हम सब आज उपस्थित हैं। आज हमारे साथ हमारे विशिष्ट अतिथि डॉक्टर गीता सिंघल मैडम और हमारे आज के व्याख्यानकर्ता डॉक्टर क्षिप्रा राजौरिया मैडम भी हमारे साथ उपस्थित है। डॉक्टर गीता सिंघल मैडम के बारे में अगर मैं दो शब्द कहूं तो मैडम प्रिंसिपल, प्रोफेसर, मौलिक सिद्धांत, डिपार्टमेंट आयुर्ज्योति आयुर्वेद कॉलेज सिरसा में कार्यरत है। उनको शैक्षणिक अध्ययन अध्यापन का 30 साल से भी ज्यादा
अनुभव रहा है। उन्होंने एमए संस्कृत, एमडी दर्शन शास्त्र और पीएचडी मूलभूत सिद्धांतों से किया हुआ है। मैडम की पदार्थ विज्ञान एवं आयुर्वेद इतिहास की बुक में बहुत ही उपयोगी साबित हो रही है। तो ऐसे विशिष्ट अतिथि का हमें आतिथ्य भाव करने का अवसर मिला, इसलिए मैडम हम विश्व आयुर्वेद परिषद की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिवादन करते हैं। इसके साथ साथ मैं राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान के पंचकर्म विभाग के हमारे व्याख्यानकर्ता डॉक्टर शिप्रा राजौरिया मैडम का भी हार्दिक स्वागत एवं अभिवादन करता हूँ। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं डॉक्टर दीक्षा जी से निवेदन करूंगा कि वो वंदना के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाए। ओवर टू डॉक्टर दी। थैंक यू सो मच डॉक्टर हार्दिक। तो सभी एक साथ मिलकर भगवान धन्वंतरी की वंदना करते हैं। नमामि धन्वंतरि मादिदेवं सुरासुरे वंदित पाद पद्म लोके जरारोग भय मृत्यु नाशम दातारमीशम विविधौषधीनां च व्योम वात अवनिवारि वहनिम् पंच प्रपंचात्मक देह भाजम संताप संताप जरा ज्वरांतकम नमामि धन्वंतरिमादिदेवं नवीन नील मुदकांति कांतं शांतं हरे द्वादशमाख्य मूर्तिं पूर्तिं शतानां सुमनोरथानां नमामि धन्वंतरिमादिदेवं। जय आयुर्वेद, जय धन्वंतरी। ओवर टू यू डॉक्टर हार्दिक। थैंक यू वेरी मच। अब मैं आज के व्याख्यान के लिए डॉक्टर शिप्रा राजौरिया मैडम का हार्दिक स्वागत करता हूँ और मैडम आपसे निवेदन करता हूँ कि आप है ना वेट कपिंग लेक्चर सीरीज का दूसरा पार्ट आप अपने चिकित्सकीय ज्ञान से हमें अभिभूत करिए। ओवर टू शिप्रा मैडम। थैंक यू हार्दिक। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबको मेरा प्रणाम, और बलदेव सर, गीता मैम, हेतल मैम, गुड इवनिंग टू यू, और बाकी जितने भी स्टूडेंट है, दीक्षा, हार्दिक, एवरीवन, थैंक यू फॉर कमिंग हियर और इस लेक्चर को अटेंड करने के लिए। सो जैसे हमने लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था कि व्हाट इज वेट कपिंग इन आयुर्वेदा, तो अभी के जो हमारा जो सेकंड सेशन है उसके अंदर हमारी जो मेजर जो हम जिससे डील करेंगे वो चीजें हैं। मैम स्लाइड, सेकंड स्लाइड मैम प्लीज। प्रिंसिपल्स ऑफ वेट कपिंग, इंडिकेशंस ऑफ वेट कपिंग, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस ऑफ वेट कपिंग एंड कॉम्प्लिकेशंस एंड मोड ऑफ एक्शंस। सो जब हम प्रिंसिपल की बात करते हैं तो वेट कपिंग का जो प्रिंसिपल्स हैं वो जैसे वेट कपिंग जो है जो चाइनीज मेडिसिन का टर्मोलॉजी है, सिमिलरली इस्लामिक मेडिसिन के अंदर इसको अलहिज्मा कहते हैं, और हमारे यहाँ पे श्रृंग अलाबु जो है वो इसके अंतर्गत आते हैं। तो ग्लोबली अगर देखा जाए सब जगह पे कोर प्रिंसिपल्स जो होते हैं वो आयुर्वेद से बिल्कुल सिमिलर होते हैं, इसमें कुछ ज्यादा अंतर नहीं होता है। देर आर ओनली माइनर डिफरेंसेस जो प्रेजेंट रहते हैं, तो मैं आपको माइनर डिफरेंसेस हैं जो मैं आपको हाईलाइट करना चाहती हूँ ताकि आपको वो अंडरस्टैंडेबल हो सके, सो यू कैन प्रैक्टिकली रिलेट टू इट, क्योंकि ये सब आपने पढ़ा हुआ है तो आपको कॉन्फिडेंस भी बिल्टअप होगा और आप इसको समझ भी इजिली पाएंगे। सो एज क्राइटेरिया जब हम लेते हैं तो आयुर्वेद के अंदर एज क्राइटेरिया जो है वो नॉर्मल जो रक्त मोक्षण का एज क्राइटेरिया है 16 to 70 ईयर्स ऑफ एज होता है, और क्योंकि माइल्डर फॉर्म में होता है तो इसीलिए हम इससे कम उम्र में भी इनको लिया जाता है,
और जो मिनिमम उम्र जहां पे आप वेट कपिंग यूज कर सकते हो वो 2 साल होती है। फिर नेक्स्ट आपका आता है कि अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस हम कैसे इसको कंट्रोल करें। सी, जब आप कोई भी प्रोसीजर करते हैं इंटरवेंशन जिसके अंदर ब्लड का लॉस होता है तो इट इज नॉट पॉसिबल कि आप उसको कंट्रोल कर पाओ। तो इसके मेजर चीजें होती है कि एक तो नंबर ऑफ इंसिजन्स कितने लग रहे हैं, और कितना उसका साइज है, जो आप जितना साइज का आप इंसिजन कर रहे हो, या कौन सा डिवाइस, किस डिवाइस से आप, जैसे कपिंग के आपने सेट्स, हम जब एट द एंड ऑफ लेक्चर हम देखेंगे कपिंग सेट को देखेंगे तो आप वेरियस टाइप के उसके सेट्स की साइज देखोगे, कि जो इंस्ट्रूमेंट है उसकी साइज देखोगे, तो उसके बेसिस पे भी कपिंग जो है वो कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। और ऐसा, और ग्लोबली इसका ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है, लेकिन हमारे आयुर्वेद के अंदर बताया गया है कि जितना भी आपको ब्लड इवैक्यूएट करना है वो बॉडी की स्ट्रेंथ के हिसाब से और दोषों की उपस्थिति के हिसाब से हमको टारगेट करना होता है। और ये टारगेटेड अमाउंट जो होती है वो मल्टीपल ब्लड लेटिंग सेशन में होनी चाहिए, ठीक है। जैसे हमारा, आप सभी ने पढ़ा होगा कि जो अधिकतम मात्रा जो रक्त मोक्षण की जानी चाहिए वो 1 प्रस्थ होनी चाहिए, एंड 1 प्रस्थ इज इक्वल टू 648 ml। बट ये 640 ml जो है आपको एक ही सेशन में नहीं यूज करना, इसी वेरियस सिटिंग्स में, मतलब एक थेरेपी की बहुत सारी सिटिंग्स होगी उसमें ब्लड लेट किया जाएगा। सो आपका जो है 1 प्रस्थ में जो लिया जा सकता है इसको, आधा प्रस्थ लिया जा सकता है, और 1/4 प्रस्थ लिया जा सकता है, ठीक है। और इसका होता है 1 प्रस्थ इज इक्वल टू 648 ml, और आधा प्रस्थ इज इक्वल टू 324 ml, और 1/4 प्रस्थ इज इक्वल टू 160 ml। और ये तीनों जो मात्राएं हैं ये प्रवर, मध्य और अवर शरीर की स्ट्रेंथ के हिसाब से और दोष की स्ट्रेंथ के हिसाब से हम डिसाइड करते हैं, ठीक है। एंड फिर नेक्स्ट आता है कि आफ्टर केयर क्या होनी चाहिए। तो आफ्टर केयर के अंदर हमारे आहार का एक बहुत अच्छा सिद्धांत बताया गया है कि आहार में लघु, स्निग्ध, शोणित वर्धन और ईषद अम्ल और अलवन जो है, मतलब आपका थोड़ा सा उसमें अम्लता होनी चाहिए, विद और विदाउट भी हो सकता है, मतलब अम्ल हो भी सकता है और नहीं भी, लेकिन अगर ईषद हो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इसमें हमारा ब्लड लॉस होता है, तो ब्लड लॉस के टाइम के अंदर थोड़ा सा अगर ईषद अम्ल या अनम्ल जो है वो आपको देना चाहिए। फिर विहार में आ जाता है कि विहार कौन सा है जो आपको करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। तो इसमें ये है कि आपको क्रोध, आयाश, शोच यानी कि आपको डिप्रेशन या मेंटल एक्सर्शन, मैथुन, दिवा स्वप्न, उच्च भाष्य, यानायान मतलब एक्सेसिव ट्रैवलिंग, चिरासन, चिरस्थान यानी बहुत ज्यादा देर तक बैठना, बहुत देर तक खड़े रहना, अतिचक्रमण, एक्सेसिव वॉक करना, शीतवात अताप से एक्सेसिव एक्सपोजर करना, और विरुद्ध आहार का सेवन करना, ये नहीं करना चाहिए, अध्यसन नहीं करना चाहिए, असात्म्य भोजन या अप्रमाणता भोजन नहीं करना चाहिए। और ये कब तक नहीं करना चाहिए, या तो 1 महीने तक, या फिर इसका है कि जब तक शरीर में ताकत ना आ जाए तब तक इन सब चीजों से हमें अपना थोड़ा सा बॉडी को प्रोटेक्ट करना चाहिए। अब वुंड केयर की बात आए तो वुंड केयर में क्या करना है हम लोग को, हमको परिसेचन करना है वार्म घी से, जैसे होते हैं ना थोड़ा सा घी गर्म करके आपको उसका जो वुंड आपने बनाया है, जो आप वेट कपिंग में जिससे ब्लड लेटिंग का निकट अपने वुंड बनाया है उसको आप सेचन कीजिए। इससे जो शोफ और तो उत्पत्ति होती है इस प्रोसेस के अंदर उसकी शांति होती है। नेक्स्ट आपका आता है कि एक वन सिटिंग का जो आपकी केयर थी वो आपका हो गया है। नाउ द सेकंड थिंग इज कि आपका क्राइटेरिया क्या है कि आप दोबारा इस चीज को रिपीट करोगे। सो क्राइटेरिया बहुत सिंपल है। आप जैसे ही अगर हम, हमारा मेन होता है कि अगर हम पेशेंट के अंदर शुद्ध रक्त की उपस्थिति देखते हैं
तो दैट इज द बेस्ट क्राइटेरिया टू डिसाइड कि हमें थेरेपी को रिपीट करना है या नहीं करना. शुद्ध रक्त के जो है वो बताया गया है कि पेशेंट के अगर प्रसन्न वर्ण हो, मतलब उसका कॉम्प्लेक्शन जो है वो क्लियर हो जाए, या इंद्रिय इंद्रियार्थ इंद्रियार्थ का जो कार्य जो है वो प्रॉपर रहे, अव्यथा पक्ति वेगम सुखान्वितम, यानी कि डाइजेशन प्रॉपर हो, वेग जो है वो सुख से और बिना किसी परेशानी के नॉर्मली इवैक्यूएट हो, और पुष्टि बल उत्पन्न हो, तो ये एक शुद्ध रक्त का क्राइटेरिया है. सो इफ दीज आर प्रेजेंट इन अ पेशेंट देन इट इज इंडिकेटिव ऑफ के रक्त की शुद्धि हो चुकी है. लेकिन अगर इनमें ये क्राइटेरिया आपको नहीं ऑब्जर्व होता है अपने पेशेंट का, दैट मीन्स उसे और सेशन की जरूरत है. सो आफ्टर ईच थेरेपिक सेशन आपको एनालाइज करना है पेशेंट को, एंड ये एनालाइज जो है वो ऐसा नहीं हुआ कि इमीडिएटली आ जाता है. सो यू कैन गेट इन टच विद द पेशेंट एट एवरी ऑल्टरनेट डेज, या 7 days पे आप उसको कॉल कर सकते हैं पेशेंट को, देन आप उसको देख सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हैं, उससे पूछ सकते हैं, ठीक है. तो ही विल लेट यू नो, और ये आपका एक डिसीजन बिल्डिंग के अंदर आपको हेल्प करेगा कि हाँ हमें इसको रिपीट करना है या नहीं करना है. आपको ऐसा कुछ स्टार्टिंग ऑफ द थेरेपी आपको ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, या एक स्ट्रिक्ट आपको प्रोटोकॉल बनाने की जरूरत नहीं है कि हमने आज किया है फिर 3 दिन बात करेंगे फिर 7 दिन बात करेंगे. इट इज नॉट लाइक दैट. आप अपने पेस के ऊपर पेशेंट को कॉल कर सकते हैं, एंड पेशेंट आर वेरी कोऑपरेटिव एंड दे अंडरस्टैंड कि यहाँ पे एक पर्सनलाइज चिकित्सा हो रही है. और जहाँ पर्सनलाइज चिकित्सा की बात होती है वहां पे हम पेशेंट के सिम्टम्स को ऑब्जर्व करते हैं. सो दे विल डेफिनेटली कोऑपरेट यू, क्योंकि हम अपनी ओपीडीज में करते हैं ये चीज. सो पेशेंट आर वेल टॉलरेंट. हम जैसे आते हैं, हमारे जैसे वीकली कॉलअप होता है हमारा, तो हम एक वीक में एक सिटिंग लेते हैं. देन द पेशेंट कम टू अस ऑन अ डेफिनेट डे, जैसे ओपीडी वाले दिन आता है हमारे पास. सो हम उस वक्त एनालाइज करते पेशेंट को कि ही नीड्स और नॉट, फिर उसी हिसाब से हम उसका आगे प्लान करते हैं ट्रीटमेंट. सो यू आप भी ऐसे कर सकते हैं, एंड यू नीड नॉट टू हरी कि ऐसे आप ये सोचो कि पेशेंट को ये लगेगा कि देखो डॉक्टर को पता नहीं है, वो हमें देख के ही ऑब्जर्व कर रहा है. सो इट इज वेरी एसेंशियल कि आप पेशेंट को ये समझाइए कि जब आप हमसे मिलने आओगे देन हम आपको ऑब्जर्व करेंगे कि आपको जरूरत है या नहीं है, या फिर कितने आपका कितने दोषों का शोधन हो गया है. देन आपका आ जाता है कि आप कब कब रिपीट कर सकते हो. सो यू कैन रिपीट ऑन द वेरी नेक्स्ट डे. आप सेकेंड डे, मतलब जिस दिन आपका हुआ है उसके अगले दिन भी आप रिपीट कर सकते हो. आप 2 से 3 दिन के बाद भी रिपीट कर सकते हो. और आप आपको ये लगता है कि नहीं बहुत, मतलब पेशेंट बहुत ज्यादा वीक है, फ्रेजाइल है, देन आप उसको एक फॉर्टनाइट यानी 15 दिन के बाद भी आप रिपीट कर सकते हो. लेकिन जब आपको 15 दिन का गैप आता है देन इट इज वेरी एसेंशियल कि आप स्नेहन भी रिपीट कीजिए. जब आप नेक्स्ट डे कर रहे हो 2 से 3 दिन पे गैप पे कर रहे हो, देन स्नेहन इज नॉट नेसेसरी फॉर द पेशेंट, क्योंकि वो पहले का स्नेहन जो किया हुआ है वही काम कर जाएगा. बट अगर आपका जो आपका 2 थेरेपिक सेशन के बीच में गैप बहुत ज्यादा है, फोर्टनाइटली का है, 15 दिन का है, फिर ही आपको स्नेहन दोबारा रिपीट कराना चाहिए. फिर अगर आपको ये लगता है कि पेशेंट के अंदर बहुत माइनर इम्प्योरिटीज है और वो मेडिकली मैनेज हो सकती है, और पेशेंट की कंडीशन नहीं है कि वो जो नेक्स्ट थेरेपी को उसको टॉलरेट कर पाए, तो आपको बेस्ट चॉइस ये है कि आप उसको शमन चिकित्सा दीजिए. सो दीज आर द फ्यू रूल्स जो आपको फॉलो करने चाहिए हम अपने आयुर्वेद के सिद्धांत पे. अभी आ जाता है कि देर वुड बी आपको ऐसी कंडीशन एनकाउंटर होगी जहां पे आपको प्रिवेंटिव एस्पेक्ट के हिसाब से भी आपको शोधन करना पड़ेगा. प्रिवेंटिव एस्पेक्ट के लिए वेट कपिंग थेरेपी जो आप कर सकते हो वो इंट्रास्कैपुलर एरिया पे कर सकते हो, ठीक है. एंड क्योंकि जितने भी आप चाइनीज मेडिसिन या आप ये इस्लामिक मेडिसिन देते हो, दे मेजरली वहां पे, जैसे हमारे यहाँ बहुत सारी साइट्स बताई गई है डिजीज के हिसाब से, so they are not using those sites so rigorously.
उनके लिए मेजर मोटा मोटा साइड क्या है, इंट्रास्कैपुलर एरिया। सो हम उनका ज्ञान बोरो करके प्रिवेंटिव एस्पेक्ट के लिए इंट्रास्कैपुलर एरिया पे हम जो है वेट कपिंग जो है वो कर सकते हैं। देन नेक्स्ट मैम प्लीज स्लाइड। नेक्स्ट आ जाता है हमारा कि आप इंडिकेशंस क्या क्या होने चाहिए। तो इंडिकेशंस में आप जनरली रक्त मोक्षण के जितने भी इंडिकेशंस हैं वो आप वेट कपिंग में ले सकते हो। और प्रिंसिपली अगर देखें कि रक्त और पित्त का जो डिसऑर्डर्स हैं वो वेट कपिंग की इंडिकेशंस होते हैं। और अगर हम स्पेसिफिक हो कि आप श्रृंग और अलाबू जो है वो त्वकस्थ और जो सुप्त रक्त है, मतलब त्वकस्थ यानी कि सुपरफिशियली जो सुप्त रक्त है वहां पे आपको इंडिकेटेड मेजरली किया जाता है। और श्रृंग अवचारण जो होता है वो माना जाता है कि 10 अंगुल पे, दैट इज इक्वलेंट टू 19 सेंटीमीटर्स। एंड अलाबू जो है वो 12 अंगुल, दैट इज इक्वल टू 22.8 सेंटीमीटर्स जो है वो उस डेप्थ से आपकी बॉडी से रक्त को खींचता है। सो हम अपना इंडिकेशंस जो है वो इसको भी मान सकते हैं कि सुपरफिशियल सुप्त और त्वकस्थ रक्त है वहां पे हम वेट कपिंग करेंगे। और अगर हम अगर दोनों को अलग अलग देखा जाए तो वात डोमिनेंट जहाँ कंडीशन लगती है प्रिंसिपली हमें, तो वहां श्रृंग अवचारणा को हम जो है वो प्रायोरिटी देंगे, क्योंकि ये कहा जाता है कि श्रृंग का जो आपका अपगुण होते हैं वो उष्ण होता है, मधुर होता है, स्निग्ध होता है। और अलाबू जो होता है वो कफ डोमिनेंट कंडीशंस के अंदर, जैसे स्टेसिस या ऑटो इम्यून कंडीशंस या इन्फ्लेमेटरी कंडीशन हम कह सकते हैं, वहां पे यूजबल होता है, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज वो कटु, रुक्ष और तीक्ष्ण होती है। इट इज हाईली पेनिट्रेटिंग ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ अग्नि गुण यहाँ पे। सो अगर जब हम इंडिकेशंस को कंपेयर करेंगे कि आयुर्वेदिक इंडिकेशंस और रीसेंट एविडेंस जो WCT के हैं, अगर हम उनको कंपेयर करेंगे तो हम देखते हैं कि जो हमारा रक्तमोक्षण है ये 5 प्रकार की वृद्धि, विदारिका, गल शालुका, दैट इज इन्फ्लेमेटरी कंडीशन ऑफ नेक एंड थ्रोट रीजन, गंडमाला, दैट इज इन्फ्लेमेटरी कंडीशन ऑफ नेक एंड थ्रोट रीजन, पित्तज, रक्तज, कफश, ओष्ठ रोग है, शूद्र रोग है, सौशीर्य है, कृमि दंत है, शीतदा है, दंत वेष्टक, उपकुश, अर्बुद ग्रंथि, इसके अंदर जो है इंडिकेटेड होता है। तो सिमिलरली ये ऐसी ही इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस जो होती हैं उसके अंदर वेट कपिंग की एविडेंस है कि आप वर्ल्ड वाइड वहां पे यूज होता है। तो आई एम गोइंग टू जस्ट नेम दोस कंडीशन जहां पे, और जितने भी मैं नेम्स आपको ले रही हूँ इसके ऊपर आपको ऑथेंटिक लिटरेचर जो है वो पबमेड में मिलेगा। द वॉट एवर आई एम स्पीकिंग ओवर हियर ऑन दिस प्लेटफॉर्म इज एन ऑथेंटिक इंडिकेशन ओवर हियर। तो आप ये मत सोचिएगा कि आई एम जस्ट नेमिंग इज जस्ट फॉर द सेक ऑफ नेमिंग इट। तो जो भी मैं आपको डिजीजेस अब आपको बताऊंगी जो हमारे शास्त्र से कंपेरेबल है वो एक एविडेंस बेस्ड है। ओके और आप I can just share you an article of this. This, अगर आप चाहें तो you can just mail me on my email ID and I can share you article जहाँ पे proper आपको इसका मिल जाएगा. So WCT जो है उसका rheumatoid arthritis पे work होता है, ankylosing spondylitis पे काम होता है, high grade fever पे होता है, कैपिलो ह्यूमरल पेरी आर्थराइटिस में, मैस्टाइटिस के अंदर, न्यूरोडर्मेटाइटिस के अंदर, मायोफेसाइटिस के अंदर, थायराइड ऑटो इम्यूनिटी में, सिस्टमिक ल्यूपस एरिथ्रोमाइटोसिस में, गुड स्पैस्टिस डिजीज में, मल्टीपल स्क्लेरोसिस में, स्क्लेरोडर्मा, एडिसन डिजीज, ऑटो इम्यून एनीमिया एंड प्रेनिशियस एनीमिया,
माइसिनिया ग्रेविनस, एकैंथोसिस निग्रिटेंस, कोल्ड एग्लूटिन डिजीज के अंदर यूज होता है. एंड सिमिलरली फॉर कॉस्मेटिक पर्पसेस, जैसे हम शुद्र रोग अपना नाम ले रहे हैं कि भाई शुद्र रोग में हम वेट कपिंग यूज कर सकते हैं, तो ऐसे ही सेलुलाइटिस और एलोपेशिया में कॉस्मेटिक पर्पस के अंदर हम इसका यूज लेते हैं. और जैसे आपने देखा कि हमने सौशर्य, कृमिदंत, शीतदा, उपकुश आदि हमने जो है वो उर्व जतुगत रोग है उनका इंक्लूजन किया था. सिमिलरली जो आपके ऑप्थेल्मिक डिजीज है, ग्लूकोमा है, ऑटाइटिस मीडिया है, क्रॉनिक साइनोसाइटिस है एंड टॉन्सिलाइटिस है, इन सब के अंदर वेट कपिंग जो है वो जो है एविडेंस बेस्ड इनका लिटरेचर है जहाँ पे ये माना गया है कि ये वर्क करता है. हमारा नेक्स्ट जो आपका आ जाता है आप जो स्किन डिजीज है, दैट इज कुष्ठ एंड विसर्प इंडिकेशन है हमारा कि हम रक्तमोक्षण जो है या अलाबुष्टंगे कुष्ठ के अंदर और विसर्प के अंदर यूज करते हैं. सिमिलरली वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर द वेरियस डर्मेटोलॉजिकल कंडीशन जहाँ पे वेट कपिंग का यूज होता है वो है बॉइल्स, अर्टिकेरिया, एक्ने वल्गारिस, हर्पीज जोस्टर, क्लोस्मा, फॉर्निकल्स, एक्जिमा, सोरियासिस, कार्बंकल्स और इवन विटिलिगो के ग्राफ्ट के अंदर इसका होता है. फेशियल मैक्युला, न्यूरोडर्मेटाइटिस और स्कैबीज के अंदर इसका एविडेंस वर्क बेस्ड वर्क जो है वो पाया गया है एंड फुल फ्लेज्ड लिटरेचर इज आल्सो प्रेजेंट इन दिस. नेक्स्ट जेनरा जो हमारा आता है वो है वात व्यथा एक देश, यानी कि पेन एंड इन्फ्लेमेशन इन अ पर्टिकुलर रीजन कॉज ड्यू टू वात, यानी कि पेन मैनेजमेंट के लिए भी डब्ल्यूसीटी का प्रयोग किया जाता है. सो जब आप पेन मैनेजमेंट के इस बात के बारे में बात करेंगे तो आई वुड लेट यू नो कि बहुत सी डिजीजेस हैं जहाँ पे पेन मैनेजमेंट के लिए डब्ल्यूसीटी का प्रयोग होता है. सो आई एम गोइंग टू नेम यू फॉर दैट. Arthritis, knee osteoarthritis, fibromyalgia syndrome, fibroitis branchial, parasthetic nocturna, stiff shoulder, non-specific low back pain, carpal tunnel syndrome, bioarthralgia syndrome, degenerative spondylolisthesis, cervical spondylopathy, cervical spondylotic radiculopathy, chronic non-specific non-neck pain, chronic headache, migraine, tension headache, trigeminal germinal neuralgia, prolapse of lumbar intervertebral disc, lumbar disc herniation, lumbar sprain, post-herpetic pain, cancer pain, musculoskeletal pain, skeletal pain in general, even sports injury, जिसके अंदर soft tissue injury है या ट्रोमैटिक स्ट्रेन है, स्प्रेन है, पोस्ट फ्रैक्चर कंडीशंस है एंड देयर आर वेरियस न्यूरोलॉजिकल कंडीशन जो पेन डोमिनेंट है, लाइक फेशियल पैरालिसिस में है या फिर वीकनेस ऑफ द मसल्स है, न्यूरालजिया है, अक्यूट फेशियल न्यूराइटिस है, सियाटिका है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी है, हेमिफेशियल स्पाज्म है, ऐसी कंडीशंस के अंदर जो है वेट कपिंग जो है वो प्रयोग में लाया जाता है. फिर नेक्स्ट आप आ जाता है हमारा कि शलिपत के अंदर जो है वेट कपिंग जो है वो इंडिकेटेड है. सो लिम्फ एडिमा के अंदर या नॉर्मल एडिमा के अंदर भी वेट कपिंग जो है वो किया जाता है. फिर विष दुष्ट रक्त के अंदर, दैट इज इन केस ऑफ पॉइजनिंग जो है वो रक्तमोक्षण इंडिकेटेड है. सिमिलरली जो हमारा डब्ल्यूसीटी है वो पॉइजनिंग और इंसेक्ट बाइट में भी बहुत अच्छा लाभ देता है. फिर हमारे यहाँ पे उपदंश नाम की एक व्याधि कही गई है जिसके अंदर जो रक्तमोक्षण है वो इंडिकेट किया गया है. सिमिलरली इस ओरल एंड जेनिटल अल्सर्स होता है बेंसर डिजीज के अंदर, वहां पे डब्ल्यूसीटी का प्रयोग किया जाता है. ऐसे ही स्तन्य रोग और कर्ण पालिया में जो है वहां पे जो है हम रक्तमोक्षण करते हैं, तो इसका एग्जैक्ट जो है जैसे एडिमा होती है मैसेक्टॉमी करने के बाद ब्रेस्ट कैंसर के अंदर, वहां पर जो है डब्ल्यूसीटी का प्रयोग किया जाता है. देन देयर आर टू डिजीजेस जैसे जो एब्डोमेन से रिलेटेड है जैसे गुल्म है और कामला है,
वहां पे रक्त मोक्षण किया जाएगा। सो डब्ल्यूसीटी का एविडेंस वर्क बेस्ड वर्क जो है डाइजेस्टिव ट्रैक की जो डिजीजेस है जहां पे किया जाता है वो है रोटा वायरल एंट्राइटिस, एब्डोमिनल पेन, एब्डोमिनल स्पाज्म, इनडाइजेशन, फ्लैक्युलेंस, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, लिवर रिलेटेड कंडीशंस, क्रॉनिक हेपेटाइटिस, वायरल हेपेटाइटिस बी एंड सी, गैस्ट्राइटिस, इरिटेटेबल बाउल सिंड्रोम, इंटॉक्सिकेशन, हेमरॉइड्स एंड अक्यूट अपेंडिसाइटिस। सो आप देखिए कि कितनी सिमिलैरिटी है कि हम जेनरा बाय जेनरा इसको डिस्कस कर रहे हैं कि एग्जैक्ट आपको मतलब आप जैसे हम हमारे पास दो डिजीजेस है एब्डोमेन की के, लेकिन हमारे पास हम कैसे उसको क्लासिफाई करेंगे कि पेशेंट हमारे पास गुलमाया है, बिकॉज एवरीवन इज नॉट अ रिसर्चर, क्योंकि सब क्लिनिशियन होते हैं, कोई रिसर्चर नहीं होता है। सो हमारा जो प्रेजेंटली हमारे पास जो डिजीज के नाम से आएगा पेशेंट, सो हम देख सकते हैं कि भाई ओके द पेशेंट कम्स अप विद अ डायग्नोस्ड कंडीशन, हमारे पास जो भी आएगा पेशेंट एक डायग्नोस्ड कंडीशन से आएगा। सो हमारे पास एक लिस्ट है कि ओके दीज आर द डिजीजेस जहाँ पे वेट कपिंग यूज होता है, ठीक है, और ये हमारे जो सिद्धांत है हमारा ये कह रहा है कि इसमें डीज जो है जो रक्त मोक्ष इंडिकेटेड है लाइक कामला इज अ सिंड्रोम रिलेटेड टू लिवर डिसऑर्डर्स, लेकिन हमारे पास एविडेंस बेस्ड मेडिसिन बोलता है कि लिवर रिलेटेड कंडीशन क्रॉनिक हेपेटाइटिस, वायरल हेपेटाइटिस बी, वायरल हेपेटाइटिस सी में इंडिकेटेड है। सो द मेन मोटिव ऑफ डिस्कसिंग बोथ द पार्ट्स ओवर हियर कि हम अपने आयुर्वेद सिद्धांत को भी देख लें और हमारा जो अभी जो रिसेंट एविडेंस बेस्ड मेडिसिन है उसको भी हम साथ देख लें। सो वी हैव अ ब्रॉडर विजन, सो पेशेंट डोंट कम बस इन ओपीडी, जैसे हम देखते हैं पेशेंट हमारे पास गुल्म और कामला डायग्नोसिस लेके नहीं आता है, सी he comes with a chronic hepatitis, he comes with a viral hepatitis, so we have a very in hand hamare paas rehta hai, acha it is indicated in our text, it is indicated in evidence based medicine, the same condition jo hai wo patient leke aa raha hai, so hamara jo hamara ek decision making jo hai wo thoda sa rapid ho jata hai, so this is a major reason I am discussing the whole things with you over here. Next hamara genre aa jata hai rakt pitt ka, so whatever the diseases related to circulatory system jo hai wahan pe hamara rakt mokshan jo hai wo indicated hai, to circulatory system jiske andar hamari jo diseases mentioned hai wo hai hypertension, intracranial hypertension syndrome, atherosclerosis, myocardial ischemia, आर्थेमिया, वैस्कुलर सिंड्रोम, वैस्कुलर थ्रोम्बोसिस और कुछ कंडीशंस जिसके अंदर सर्कुलेटरी इनसफिशिएंसी है या स्ट्रोक सीक्वल है, जिसे वहां पे रक्त मोक्षण जो है मतलब वेट कपिंग जो है वो लाभ देता है। एंड नेक्स्ट हमारा आ जाता है श्वास, सो श्वास इज अ बिग टर्म फॉर रेस्पिरेटरी सिस्टम डिसऑर्डर, सो जो डिजीजेस या डिजीज कंडीशन जहाँ पे जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम्स को पर्टेनिंग है जहाँ पे डब्ल्यूसीटी काम आता है वो है कॉमन कोल्ड, सोर थ्रोट, ब्रोंकियल एस्मा, डिस्निया, अक्यूट ब्रोंकाइटिस, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज इन स्मोकर्स, पर्ट्यूसिस, एक्सट्रीनियस कॉफ, न्यूमोथोरैक्स, स्नोरिंग। तो यहाँ पे डब्ल्यूसीटी जो है दैट इज गोइंग टू वर्क। नेक्स्ट आता है हमारा उन्माद, उन्माद इज अ टर्म यूज फॉर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, सो व्हाट आर द डिजीजेस जहाँ पे जो है आपका जो डब्ल्यूसीटी वर्क करता है, तो द साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जैसे शिज़ोफ्रेनिया है, एंजाइटी है या एपिलेप्सी है और अर्ली सेरेब्रल इंफार्क्शन टाइप की डिजीज है जो समवॉट साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के जनरा में आती है, वहां पे आपका वेट कपिंग जो है वो यूज होता है। देन एक पित्तज व्याधि आप कह सकते हैं कि जहाँ पे आपका रक्त मोक्षण है जो इंडिकेटेड है। सो ओवर हियर मैं आपको सभी कंक्लूड करना चाहूंगी द वेरियस डिसऑर्डर्स
जिसे हम पित्तज व्याधि के नाम से इंक्लूड कर सकते हैं, जहां पे वेट कपिंग जो है वो यूज होता है, जैसे जनरल मलेशिया है, लैंगर है, फेटीक है, डिजीनेस एंड वर्टिगो, जैसे भ्रम और मद कहते हैं, वेट लॉस है, हीट स्ट्रोक है, मोशन सिकनेस है, और जहाँ पे आयरन लोड हमें रिड्यूस करना होता है, जैसे थैलेसमिक हाइपरफेरिनीमिया है, जहाँ पे ना बार बार ही जो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन करा जाता है, एंड यू नो कि हम जब किसी को हमारी बॉडी में एक मैकेनिज्म होता है कि हमारी बॉडी जितना चाहे ना उतना ब्लड जो है वो सॉरी हीमोग्लोबिन जो बनाने के लिए आयरन को टेकअप कर लेती है बॉडी, बट हमारी बॉडी के अंदर कोई मैकेनिज्म नहीं है जिससे हमारा जो बॉडी से ना ब्लड लॉस हो सके, मतलब जो हीमोग्लोबिन के लिए जो आयरन है वो हट सके. सो बॉडी का क्या मैकेनिज्म होता है, वो उसे स्टोर करता है, ठीक है. सो वी कैन नॉट, ब्लड लॉस तो हमारा जो फीमेल्स में नॉर्मल होता है वो नॉर्मली होगा, ठीक है, एंड दैट टू ऑफ मेंस्ट्रुअल एज, मेंस्ट्रुएटिंग एज वाले में होगा. रेस्ट जो है उनको मतलब ब्लड लॉस एज सच नहीं होता है, या हम आयरन बॉडी से बाहर नहीं निकाल सकते. सो थैलेसेमिक लाइक कंडीशंस में क्या होता है कि रेपिटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन तो होता है, एंड आयरन इज बीइंग सप्लीमेंटेड टू देम, बट क्या होता है वो उस कैपेसिटी के अंदर हमारी बॉडी, तो अगर आपको चोट नहीं लगी है कोई और कोई दूसरा मैकेनिज्म नहीं है तो हमारी तो निकल नहीं पाएगा आयरन लोड, तो है ना, तो उसके अंदर क्या किया जाता है, उसके अंदर डब्ल्यूसीटी से हम आर्टिफिशियली इंजरी करते हैं. सो दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल बिहाइंड इट कि हम आर्टिफिशियली रक्त मोक्षण में हम आर्टिफिशियल इंजरी करते हैं जिससे हमारा ब्लड का लॉस हो. सो दिस इज गोइंग टू रिड्यूस द आयरन लोड इन द बॉडी, क्योंकि जितना आयरन लोड होगा उतना हमारा जो है पीएच वेरी करेगा हमारे जो है, एंड देयर आर वेरी वी गोइंग टू डिस्कस इन मोड ऑफ एक्शंस के पीएच आयरन बहुत ज्यादा होता है तो क्या लॉसेस हो सकते हैं. सो वी गोइंग टू डिस्कस दिस इन द लेटर सेशन, लेटर पार्ट ऑफ दिस लेक्चर. सो सेम इज सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया, सिड्रोसिस एंड हीमोक्रोमेटोसिस, कि आयरन हम उसको ब्लड तो सप्लीमेंट कर रहे हैं बट हम आयरन कैसे निकालेंगे वी डोंट नो. सो एक बहुत ही सेफर रहता है कि आप डब्ल्यूसीटी कराइए और उससे जो एक्सेसिव जो आयरन लोड है बॉडी का वो निकल जाता है. देन देर आर वेरियस एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स जो जिसके अंदर पॉसिबल पैथोलॉजी भी मानी गई है कि आयरन लोड ज्यादा होने के कारण भी ये डिजीज जो होती है वो प्रेवलेंट हो सकती है बॉडी के अंदर या प्रेसिपिटेट हो सकती है. इट इज मोर अप्रोप्रिएट टू कॉल इट प्रेसिपिटेट हो सकती है. And those diseases are metabolic syndrome. So one of the cause of metabolic syndrome, ये भी होता है कि excessive body के अंदर iron होना is a cause of metabolic syndrome. So in जिसे हम पित्तज प्रमेह भी कहते हैं, and the इसके अंदर क्या होता है कि आपको अगर आप पित्त को बाहर निकाल दो, that is iron को आप बाहर निकाल दीजिए, so the मेटाबॉलिक सिंड्रोम है वो नॉर्मलाइज हो सकता है. सो नेक्स्ट इज अ डायबिटीज मेलाइटिस, देन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस, डायबिटिक फुट, थायराइड डिसफंक्शन, एंड सेकेंडरी एमिनोरिया ड्यू टू पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम एंड फीमेल इनफर्टिलिटी. इन डिजीजेस के अंदर भी वेट कपिंग का जो है यूज किया जाता है. देन नेक्स्ट और एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होते हैं जैसे गाउट है या गाउटी आर्थराइटिस है, हाइपरलिपिडीमिया है, हाइपरकोलेस्ट्रीमिया है, तो इन कंडीशंस के अंदर भी डब्ल्यूसीटी जो है वो की जाती है एंड वहां पे अच्छा इम्प्रूवमेंट देखा जाता है. देन व्हेन वी कम टू कॉन्ट्राइंडिकेशंस ऑफ डब्ल्यूसीटी कि कहाँ पे नहीं करना है. सो जितनी भी कंडीशंस है जहाँ पे आपको रक्त मोक्षण कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है वहीं पे कॉन्ट्रा इंडिकेट डब्ल्यूसीटी भी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है. सो और अगर हम स्पेसिफिक कॉन्ट्रा इंडिकेशंस पे जाएं तो श्रृंग आचरण को हमें कफ प्रधान डिसऑर्डर्स में नहीं करना चाहिए, बिकॉज वहां पे क्या होता है
कि कफ प्रधान डिसऑर्डर्स के अंदर जो श्रृंग जो प्रोसेस है, प्रोसेस इज इनकेपेबल ऑफ रिमूविंग द इम्प्योरिटीज. सी एंड लाभु अवचारण जो है वो हमें स्पेसिफिकली पित्त प्रधान व्याधियों में नहीं करना चाहिए, क्योंकि इट इज गोइंग टू नॉट बेनिफिट द कंडीशन, एंड बिकॉज ऑफ द फायर एलिमेंट इन्वॉल्व इन दिस प्रोसीजर, एंड इट इज गोइंग टू हार्म मोर देन द देन टू गिव अ बेनिफिट टू द पेशेंट. सो अगर हम टेक्स्टुअली अगर हम आयुर्वेद में जो कॉन्ट्राइंडिकेटेड है उन कॉन्ट्राइंडिकेशन है उनको हम रिसेंट एविडेंस बेस्ड कॉन्ट्राइंडिकेशन से कंपेयर करते हैं तो हम पाते हैं कि सर्वांग शोथ, जैसे हम कहते हैं कि जनरलाइज एडिमा, ठीक है, और जो क्षीण होता है, जो अम्ल भोज भोजन निमित्त जो क्षीण होता है, ठीक है, पांडु रोगी, ऐसे को हम हमें नहीं करना चाहिए रक्तमोक्षण. सो इसके लिए जो हमारे एविडेंस बेस्ड मेडिसिन बोलता है कि सिम्टोमेटिक एनीमिया जिसको है या जिसने बहुत लॉन्ग फास्टिंग की है, तो लॉन्ग फास्टिंग कहाँ की जाती है, जैसे इस्लामिक जो कंट्रीज हैं वहां पे दे फास्ट फॉर अ मंथ, वो एक एक महीने का फास्ट करते हैं, ठीक है, एंड जो एंटी कोगुलेंट ड्रग्स के ऊपर है जहाँ पे ब्लड थिनिंग एजेंट्स की जरूरत होती है, हीमोफीलिया के जो पेशेंट्स हैं जिनके अंदर हेमरेज की टेंडेंसी है या डिजीज ऑफ कार्डियक ओरिजिन है, या पेशेंट जिनको लिथार्जी है या जिनको अनडायग्नोज शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, तो वहां पे हमें रक्तमोक्षण या डब्ल्यूसीटी नहीं करना चाहिए. हमारा जो सेकेंड जेनरा ऑफ कॉन्ट्राइंडिकेशन आता है तो वो आता है अर्श रोगी का. सो अर्श रोगी आप समझते हैं कि हेमरॉइड्स वाली कंडीशंस तो होनी चाहिए, लेकिन साथ में वेरिकोज वेन भी हम इंक्लूड करते हैं बिकॉज वेरिकोज वेन इटसेल्फ इज अ अर्शी है, और इसमें भी आपको नहीं करना चाहिए रक्तमोक्षण. देन आ जाता है आपका नेक्स्ट आता है उदर रोगी. सी उदर रोगी इज समथिंग इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर्स ऑफ एब्डोमिनल ऑर्गन्स, तो इसके लिए जो मोस्ट अप्रोप्रिएट मुझे लगा वो है कि अनडायग्नोस सस्पेक्टेड ट्यूमर्स या मेटास्टैटिक कैंसर्स जो होते हैं मोस्टली रिलेटेड टू द एब्डोमिनल रीजन होता है, वहां पे रक्तमोक्षण नहीं करना चाहिए. देन द नेक्स्ट जनरा इज शोष रोगी, जहाँ पे एक्सट्रीम इनिशिएटेड पेशेंट है एंड सफरिंग फ्रॉम इन्फेक्टिव कंडीशंस है या कोई अक्यूट इन्फेक्शन है, तो वहां पे नहीं करना चाहिए. एंड फिर आ जाता है आपको गर्भिणी. सो एवरीवन नोज के गर्भिणी जो होती है दैट इज अ वेरी डेलिकेट कंडीशन होती है, तो वहां पे नहीं किया जाता है. एंड इट इज वेरी वेल मेंशनड के स्पेशली प्रेगनेंसी में लोअर एंड अपर एब्डोमिन के में तो बिल्कुल भी नहीं किया जाना चाहिए रक्तमोक्षण. फिर आ जाता है कि आपका जो शफ्तु यानी कि जनरलाइज इन्फ्लेमेशन है, तो वहां पे रक्तमोक्षण नहीं किया जाना चाहिए. सो इसको मैं मानती हूँ कि इस कंडीशन को हम ओपन इनफ्लेम इन्फेक्टेड वुंड या इन्फेक्टेड टिश्यू या कोई ब्लीडिंग इंजरी हो रही हो या कोई फ्रैक्चर के ऊपर हो या ग्रेट थर्ड का मसल एंड लिगामेंट स्प्रेन हो या टेंडन का रप्चर हो, बर्न्स हो, तो सनबर्न्स हो जिनको, या जिसको स्कार फॉर्मेशन की टेंडेंसी हो या कोई भी डर्मेटोलॉजिकल इन्फेक्शन हो किसी भी कॉज के कारण से, लाइक एप्सिस हो या किलोइड स्कार हो या एक्टिव सोरियासिस हो या थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस हो या एक्यूट सेलुलाइटिस हो या कोई भी एक्टिव स्किन डिजीज या कैंसर हो, लाइक स्किन कैंसर हो, तो वहां पे हमें रक्तमोक्षण नहीं करना चाहिए. देन कुछ थेरेपीज जो थी वो रह रही थी जिससे जिसका एविडेंस तो है लेकिन हमारे शास्त्र में मेंशन नहीं है,
वो भी मैं आपको बताना चाहूंगी, देन इट इज गोइंग टू हेल्प यू कि जहां पे सस्पेक्टेड सेप्टिक आर्थराइटिस है या सस्पेक्टेड ऑस्टियोमलाइटिस है या एंड पेशेंट जो कीमोथेरेपी पे है या क्वाड्रा इक्वोना या स्ट्रोक अनस्टेबल और इवॉल्विंग स्ट्रोक है, वहां पे भी वेट कपिंग या रक्त मोक्षण नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड मैडम प्लीज। देन द नेक्स्ट माइलस्टोन जो है इसका लेक्चर का वो है कॉम्प्लिकेशंस, के कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं। सो मेजरली देखिए, अगर आप अच्छी तरीके से WCT करते हैं सो देर इज नो गोइंग टू बी नो कॉम्प्लिकेशन, इट इज अ रिलेटिवली सेफ प्रोसीजर। बट आप अगर आपका प्रोसीजर फॉल्टी है, ठीक है, तो वहां पे कॉम्प्लिकेशन एक ही हो सकता है कि आप एक्सेसिव ब्लड लॉस हो, ठीक है, वो एक कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। वहां पे आपको जो हमारा जो जब भी हम कंपेयर करते हैं जो कॉम्प्लिकेशंस हमारे साहित्य में कहे गए हैं और जो हमारे जो एविडेंस जो बताते हैं, सो इट इज गोइंग टू हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि ऐसे जिनको आप एक बार पेशेंट की जब हिस्ट्री लेंगे तो यू गोइंग टू दिस जो मैं आपको नाम बोलूंगी, मे बी इट्स सम ऑफ देम गोइंग टू स्ट्राइक यू कि भाई ये तो इसमें तो कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, हमें नहीं करना चाहिए था। सो आई एम गोइंग टू ब्रीफ यू अप क्योंकि यहाँ पे आई हैव कंपाइल्ड एवरीथिंग व्हाट इज अवेलेबल ऑन पबमेड, तो आपको एक इन हैंड आपको एक लिटरेचर मिल जाएगा। हमारा आयुर्वेद कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं कि हम एक्सेसिव ब्लड लॉस के कारण से अंधत्व हो सकता है, धातुषज अक्षेपक हो सकते हैं, तृष्णा हो सकती है, तिमिर हो सकता है, सो अंधत्व ब्लाइंडनेस हो सकती है, धातुषज अक्षेपक हम कन्वल्सिव डिसऑर्डर्स कह सकते हैं, तृष्णा को डिहाइड्रेशन कह सकते हैं, अधिमंद तिमिर ये सब विजन के डिसऑर्डर्स होते हैं, शिरोरुझा हेडेक पक्षाघात पैरालिसिस श्वास डिस्निया कास कॉफ हिक्का दाहा पांडुता एनीमिया से ले सकते हैं, मरण मरण एज यू नो एंड डेथ है ना, ये दीज आर द वेरियस कॉम्प्लिकेशंस जो आपको हमारे जो है ग्रंथों में मिलता है। द कॉम्प्लिकेशंस विच आर प्रैक्टिकली फाउंड ड्यूरिंग द प्रोसीजर ऑफ WCT, एक तो बर्न रिस्क जहाँ पे हीट इन्वॉल्व होता है, जहाँ पे जिसे आप अलाबू कह सकते हो या वैक्यूम क्रिएट किया जाता है बर्न 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 करने के बाद, तो वो इंस्ट्रूमेंट जो होता है वो गर्म होता है तो बर्न इंजरी का रिस्क होता है, फिर स्कार फॉर्मेशन का बुले फॉर्मेशन का हो सकता है, देन एक्सेसिव ब्लड लॉस के अंदर आपको एनीमिया की हो सकता है, फ्रैक्चर्स पेनिकुलाइटिस हो सकता है, सर्वाइकल एपिड्यूरल एप्सिस हो सकती है, क्यूटनेस माइकोबैक्टीरियम इन्फेक्शन हो सकता है, लंबर एप्सिस हो सकती है, हेडेक डिजीनेस टायर्डनेस हो सकती है, कॉबनेस फिनोमेना हो सकता है, इवन इन सम पेशेंट वेसोवेगल अटैक भी आ सकता है, कुछ को सेकेंडरी हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस इन्फेक्शन भी पाया गया है आफ्टर द थेरेपी ऑफ WCT, देन हाइपर पिगमेंटेशंस भी पाए जाते हैं इन सम पेशेंट, स्ट्रोक एटॉपिक डर्मेटाइटिस लाइपोमा भी पेशेंट्स ने को सफर किया है, इन सम पेशेंट अक्वायर्ड हीमोफीलिया इज ऑल्सो प्रेसिपिटेटेड एंड कपिंग साइड प्रूराइटिस इज मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन दैट इज फाउंड इन पेशेंट, मतलब इचिंग बहुत ज्यादा हो जाती है इन सम पेशेंट, नोजिया या और कुछ पेशेंट में पेन एट कपिंग साइट होती है, कुछ में हिमाटोमा भी फॉर्म होता है, स्किन लैसरेशंस होता है और कुछ में इंक्रीज मस्कुलर टेंशन और पेन होता है। सो दीज आर द वेरियस कॉम्प्लिकेशंस दैट आर एक्चुअली फाउंड इन द पेशेंट हु हैव अंडरगॉन द वेट कपिंग थेरेपी। सो आप इस चीज को ध्यान में रखिए कि
कि ऑल्दो रक्त मोक्षण हम बहुत बहुत ज्यादा माइल्ड फॉर्म में कर रहे हैं, बट यू शुड टेक ऑलवेज टेक प्रिकॉशन फॉर सच पेशेंट जिनको इस तरह की टेंडेंसी है या इस तरह की चीजें भी प्रेसिपिटेट हो सकती है. यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट. और अगर ऐसा कोई पेशेंट आपको आता है आफ्टर द कंप्लेन लेके आता है आफ्टर द सेशंस अटेंडिंग द सेशंस ऑफ वेट कपिंग, सो डोंट इग्नोर इट कि भाई ऐसा नहीं हो सकता. सो एनीथिंग इज पॉसिबल एंड यू हैव फर्स्ट हैंड नॉलेज कि भाई हाँ ऐसा अवेलेबल है, ऐसा लिटरेचर अवेलेबल है कि हाँ पेशेंट ने इस तरह का प्रॉब्लम रिपोर्ट किया है. सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट एंड यू हैव टू आपको पेशेंट को एजुकेट करना पड़ेगा. सो यू कैन सफर फ्रॉम दीज प्रॉब्लम्स ऑल्सो. या आप ऐसा कुछ ऑब्जर्व करते हैं देन यू इमीजिएटली कॉन्टेक्ट अस, डोंट नेग्लेक्ट दैट. सो ये एक एजुकेटिव पार्ट अपने लिए भी है और हम उस पेशेंट के लिए भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम पेशेंट को भी एजुकेट करें. इफ यू आर हैविंग सच प्रॉब्लम्स आफ्टर द थेरेपी, काइंडली डोंट इग्नोर इट कि मैं ठीक हो जाएगा. कम इमीजिएटली टू अस, ठीक है? बिकॉज ये सब चीजें जो हैं दीज आर नॉट वेरी इजी टू टेक. क्योंकि देखिए अगर कोई पेशेंट जो है 100 पेशेंट आपके ठीक हो जाते हैं देन इट इज ओके, बट कोई एक केस भी बिगड़ जाता है देन इट इज गोइंग टू यू नो आपकी रेपुटेशंस को भी खराब करेगा एंड मोर ओवर आपका कॉन्फिडेंस भी लूज अप होगा. सो डोंट ऑलवेज थिंक अबाउट द पॉजिटिव साइड, आपको हमेशा नेगेटिव साइड भी देखना चाहिए कि एनीथिंग कैन हैपन. सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट एंड यू हैव टू प्रिपेयर योर पेशेंट फॉर दैट. एंड ऑलवेज आपको ये भी देखना चाहिए कि हमें अपने पेशेंट को एजुकेट करना है, हमें सेल्फ को भी एजुकेट करना है कि ये कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं. वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग. सो नेक्स्ट हमारा जो आ जाता है जो हमारा आता है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, मोड ऑफ एक्शन. सो फर्स्ट हमारा मोड ऑफ एक्शन हम अपने आयुर्वेद सिद्धांत के ऊपर से करेंगे कि मोड ऑफ एक्शन आयुर्वेद के सिद्धांत का बहुत अच्छा है. और आप सब जानते हैं कि हमारा आयुर्वेद कहता है कि जो WCT दैट इज इक्वल टू रक्त मोक्षण में क्या होता है कि हम हमारा जो मेजरली हम रक्त और पित्त दोष जो होता है हम उसको बाहर निकालते हैं. सो वॉट एवर डिजीजेस दैट आर हैव ओरिजिनेटेड ड्यू टू सपोर्ट ऑफ जो है रक्त और पित्त की दुष्टि की सपोर्ट से जो उत्पन्न हुई है उसको हमें ठीक करने के लिए हमने रक्त मोक्षण किया है, ठीक है? क्योंकि जितना भी आश्रित है जो हमने जो रक्त धातु और जो पित्त दोष पे जो आश्रित है, अगर हमने उस दुष्ट पार्ट को ही बॉडी से अगर बाहर निकाल दिया है तो वो अब वो सपोर्ट नहीं कर पाएगा उस डिजीज को, तो ऑटोमेटिकली दैट डिजीज इज गोइंग टू सबसाइड, वो अपने आप ही सबसाइड करेगी. ठीक. और जो और हमारा जो प्रेपरेटरी स्टेप्स होते हैं, प्रेपरेटरी स्टेप्स यानी कि पाचन. पाचन क्या होते हैं? पाचन जो होते हैं वो ओरल मेडिकेशंस होते हैं. सो व्हाट दे आर मेटाबॉलिक करेक्टर ड्रग्स होते हैं जो बेसिकली कैटलिस्ट या एंजाइम एनहांसर्स होते हैं जो हमारे जो आम आम जिसे कहते हैं कि जो हमारी जो एक इंटरमीडिएट जो एंटिटीज रहती है जो मेटाबॉलिज्म की इंटरमीडिएट. आम डज नॉट मीन्स कि भाई पेट में जो आम रहता है दैट इज एन आम, लेकिन वो रस प्रधान आम रहता है. लेकिन जब आप सेलुलर लेवल के ऊपर भी जाते हो या टिश्यू लेवल के ऊपर भी जाते हो तो वहां पे भी आम रहता है, ठीक है? तो उस आम को पाचन करने की कैपेसिटी भी हमारी पाचन ड्रग्स में होती है. सो वहां पे वो जाके उसको उसका एंजाइम और कैटलिस्ट एनहांसर्स जो होते हैं उसको वो जो है आपके पाचन कर देंगे. सो जो सार भाग है और किट भाग है वो अलग हो जाएगा. सो देन आपका नेक्स्ट जो आता है स्नेहन आता है, अभ्यंग स्वेदन आता है. तो स्नेहपान अभ्यंग और स्वेदन से क्या होता है कि दीज आर द मेथड्स जिससे आपका आपके जो जो आपका जो मल बन गया है पाचन ड्रग्स के से हमारी जो मेटाबॉलिज्म है वो करेक्ट हो गई है और हमारा जो सार और किट भाग अलग हो गया है और जो एक्सेसिव मल जो हमारा बॉडी के अंदर प्रेजेंट है
तो या तो हमारे पास ये है कि हम उसको अपनी बॉडी में स्टोर रखें और वो डिजीज का कॉज बनता जाएगा, है ना, या हमारे पास ये है कि हम उसको एक मीडियम प्रोवाइड करें जिससे वो एनहांस्ड रूप में बाहर निकले, ठीक है, बिकॉज बॉडी की अपनी एक कैपेसिटी होती है, वो एक लिमिट तक ही जो है आपके वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकाल सकता है ना। तो हम अपना एक एक मीडियम क्रिएट कर देते हैं कि जो आपका जो आउट गोइंग है या आउट फ्लो है टूवर्ड्स द जो हमारा सर्कुलेटरी में आ जाए, सुपरफिशियल सर्कुलेशन में आ जाए, इंटरस्टिशियल स्पेस में, या जहां से हम अपना जो दोष बाहर निकालना चाहते हैं, बिकॉज बेसिकली हम रक्त मोक्षण में तो वुंड क्रिएट कर रहे हैं, तो वी वॉन्ट इट इन टू कम इट इन इन द एक ऐसे एरिया में जहां पे हम बाहर निकाल सके। जैसे हम वमन विरेचन में हम क्या चाहते हैं कि कोष्ठ में आ जाए, ठीक है, तो अभी हमारा हम क्या चाहते हैं यहाँ पे कि सर्कुलेशन सुपरफिशियल सर्कुलेशन में आ जाए, वीनस ब्लड में आ जाए। तो इसके लिए हम स्नेहन और अभ्यंग स्वेदन वगैरह करते हैं जिससे हमारा जो है जो मल भाग है वो प्रेसिपिटेट होके उस जगह पे आ जाए जहाँ पे हम उसकी उपस्थिति चाहते हैं, जहां से हम उसको बहिर्मुख स्रोतस की उत्पत्ति करें, पर्टिकुलरली इन रक्त मोक्षण तो हम उत्पत्ति करते हैं। वमन विरेचन में तो हम क्या करते हैं, जो ऑलरेडी हमारे बहिर्मुख स्रोतस है मुख मार्ग और गुदा मार्ग, तो वहां से तो हम बाहर निकालते हैं, बट इन WCT वी आर क्रिएटिंग वुंड्स, हम उनको एक ओपनिंग प्रदान कर रहे हैं, तो हम वहां पे जहां हम लाना चाहते हैं वहां पे वो आ जाए, ठीक है। सो वहां पे हम वुंड क्रिएट कर रहे हैं, वहां हमें चाहिए। फिर हम स्ट्रिंग में क्या करते हैं, स्ट्रिंग के अंदर हम एक सक्शन प्रेशर जो होता है वो यूज करते हैं, जहां एक नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होता है जो उस वेस्ट प्रोडक्ट को ब्लड के साथ में पुल करता है। एंड हमारे जैसे स्ट्रिंग जो होते हैं भी, जैसे आप दो प्रकार के स्ट्रिंग होते हैं, एक तो हम उसको हॉलो कर देते हैं, एक हॉलो स्ट्रिंग होता है, ठीक है, तो हॉलो स्ट्रिंग को आप सिर्फ सक्शन प्रेशर अलोन इज रिस्पॉन्सिबल, बट इन सम जो कुछ एक्सपर्ट्स होते हैं वो उनका स्ट्रिंग जो होता है वो हॉलो नहीं रहता, ठीक है, उसके अंदर स्टिल पित्त रहता है, पित्त यानी कि उसके अंदर कैपिलरीज प्रेजेंट होते हैं, तो वो अपनी कैपिलरी एक्शंस के कारण भी खींचता है ब्लड को। सो इन सम क्योंकि आई हैव नेवर सीन, आई हैव नेवर यूज्ड दैट स्ट्रिंग विथ पित्त, जिसके अंदर जो पित्त हो या कैपिलरी वाला एक्शन हो, मैंने यूज नहीं किया है। सो आई एम नॉट ऑथराइज टू मेक एनी स्टेटमेंट ऑन दैट, और एक्चुअली सच मानिए तो मैंने कभी भी स्ट्रिंग यूज नहीं किया है। सो आई एम नॉट आई के नॉट प्रोवाइड यू इंफॉर्मेशन ऑन दैट फॉर मच। सो नेक्स्ट आता है अलाबू। अलाबू के अंदर क्या होता है, फायर कॉम्पोनेंट के कारण से हम जो है वैक्यूम क्रिएट करते हैं, जिसके कारण से वो वैक्यूम जो होता है, उस वैक्यूम के कारण से जो ब्लड जो होता है वो एकदम से गश आउट होके बाहर आता है, ठीक है। सो दैट इज एडिटिव इफेक्ट, ठीक है, वॉर्मिथ, वॉर्मिथ एक एडिटिव इफेक्ट होती है। सो आई हैव यूज्ड अलाबू, सो आई कैन शो इन द लेटर पार्ट ऑफ स्लाइड्स, हम वो मैं आपको पिक्टोरियल डिपिक्शन में आपको उसका दिखा सकती हूँ। सो आई कैन टेल यू दैट देन द वेरियस मैकेनिज्म्स जो प्रोबेबल मोड ऑफ एक्शन जो WCT के माने जाते हैं वेस्टर्न वर्ल्ड में, तो पहला आता है कि प्योरिफिकेशन थियोरी। प्योरिफिकेशन थियोरी क्या बोलती है कि जो जितना भी ये WCT होता है उसका एक किडनी लाइक एक्सक्रीटरी फंक्शंस होता है। जैसे किडनी लाइक एक्सक्रीटरी फंक्शन से मतलब, जैसे किडनी में क्या होता है कि रीनल ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होता है, वहां पे प्रेशर डिफरेंस होता है कैपिलरी और बोमेंस कैप्सूल के अंदर, ठीक है, द सेम प्रिंसिपल जो होता है वो WCT में भी होता है। और WCT जो है वो उसके अंदर बेटर कैपेसिटी होती है किडनी से, क्योंकि उसमें हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक दोनों ही मेटाबोलाइट जो इंटरस्टिशियल फ्लूड में प्रेजेंट रहते हैं और ब्लड कैपिलरीज में प्रेजेंट रहते हैं वो बाहर आते हैं। इन इवन जो हीमोलाइज्ड ब्लड सेल्स होते हैं वो भी हाई प्रेशर के कारण से
जो बाहर आ जाते हैं एंड और जो फिजिक्स का लॉ जो बॉयल्स मैरियट लॉ है वो इसको सपोर्ट करता है. सो दिस प्रिंसिपल जो होता है बहुत एक्यूरेट ये फिजिकल लॉ के ऊपर है. सो इट इज वेरी मच रिकग्नाइज क्योंकि ये जो प्रिंसिपल है ये एक फिजिकल प्रिंसिपल है. फिजिकल लॉ जो है उसके ऊपर फिजिक्स का प्रिंसिपल है उसके ऊपर है एंड इट इज वेरी कन्विंसिंग क्योंकि प्रेशर क्रिएट हो रहा है. सो और ये भी कहा गया है एंड ये भी कहा मीन्स इन माई लैंग्वेज कहा गया है बट इट इज एन एविडेंस बेस्ड मेडिसिन. ये पाया गया है एंड इसके ऊपर प्रॉपर एविडेंस है कि ड्यूरिंग वेट कपिंग थेरेपी हमने जो दे आर सर्टन रिसर्चर्स वहां उन्होंने पाया है कि उन्होंने बिफोर जो थेरेपेटिक सेशन और आफ्टर थेरेपेटिक सेशन जो है उन्होंने प्रोस्टाग्लैंडिंस इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स हैवी मेटल्स लाइक जिंक एल्यूमिनियम कैडमियम ट्राइग्लिसराइड्स लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल टोटल कोलेस्ट्रॉल यूरिक एसिड इम्यूनोग्लोबिन एंटीबॉडीज स्पेसिफिकली रूमेटॉइड आर्थराइटिस से रिलेटेड जो है उनको सिग्निफिकेंटली रिड्यूस्ड पाया है आफ्टर द वेट कपिंग थेरेपी. सो यू कैन सी के कितनी सारी चीजें हैं जिसे हमने बाहर निकाल सकते हैं थ्रू वेट कपिंग थेरेपी. सो ये इट इज मतलब इतना सारा द फर्स्ट टाइम व्हेन आई रेड दिस तो आई वाज लाइक ओ माय गॉड सी हम कितना सारा कितना मतलब बॉडी का टॉक्सिक लोड जो है हम बाहर निकाल सकते हैं एंड विद अ वेरी बहुत ही मतलब जैसे बहुत चीप थेरेपी में. आप सोचिए कि आपको अगर बॉडी से लाइक मतलब जिंक एल्यूमिनियम कैडमियम टाइप की चीजें बाहर निकालनी होगी देन किसी को अगर जैसे बोले कि ये चीजें बाहर निकालनी है इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स निकालने हैं प्रोस्टाग्लैंडिंस निकालनी है इसमें अगर हमको निकालनी होगी से अरे बाप रे इसके लिए अपन क्या करेंगे तो पहली चीज क्या होती है डायलिसिस करेंगे पेरिटोनियल डायलिसिस करेंगे एंड यू नो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ दैट. आपको समझ सकते हो आप डायलिसिस का कॉस्ट क्या होगा मतलब आपको कितना ज्यादा आपको एक आपको कितना ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा आपको कितना ज्यादा सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स यूज करने पड़ेंगे पेशेंट को प्रेपरेटरी कितना करना पड़ेगा कितना उसको आपको मतलब ना मेडिसिन कितनी ज्यादा जरूरत पड़ेगी उसको लाइफ सपोर्ट के लिए अपन कितनी सारी ड्रग्स इकट्ठी करनी पड़ेगी हमें ब्लड्स का अरेंजमेंट करना पड़ेगा और बहुत सारी चीजों का अरेंजमेंट करना पड़ेगा. लेकिन आप देखो इट्स वेरी सिंपल प्रोसीजर्स लाइक वेट कपिंग के अंदर अगर आप प्रोस्टाग्लैंडिंस इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स लाइक दीज अगर आप निकाल रहे हो तो ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है बिकॉज WCT is a very easy and a procedure that can be done on an OPD level. So you can see the difference कि भाई हम कितना कुछ कर सकते हैं at so less cost, इतना सस्ते में, इतना कम harm पहुंचाए भी patient को and मतलब मैंने जब भी पढ़ा तो आई वॉज वेरी मच यू नो फैसिनेटेड और मुझे लगा कि हाँ ऐसा काम करना चाहिए. सो दिस इज अ मेजर रीजन ऑफ इंटरेस्ट माई इंटरेस्ट इन दिस टॉपिक एंड फॉर यू नो अडॉप्टिंग दिस इन माई प्रैक्टिस. नेक्स्ट आ जाता है कि नेक्स्ट आपका मोड ऑफ एक्शन जो बोलता है वो एब्सिस ड्रेनेज लाइक फंक्शन है. सो एब्सिस ड्रेनेज लाइक फंक्शंस में क्या होता है जब भी हम एब्सिस का ड्रेन करते हैं तो उसमें क्या होता है एक एक्सटर्नल कंप्रेशन हम लगाते हैं जिससे क्या होता है पस जो होता है वो इवैक्यूएट हो जाता है. ठीक है. सो WCT में क्या करते हैं हम आर्टिफिशियली हम स्किन बैरियर को खोलते हैं. ठीक है. सो कट लगाते हैं हम उसको खोलने के बाद आप जो उससे क्या होता है कि आपको नेचुरल एक्सट्रीमिटी फंक्शंस होता है स्किन का वो बाहर आ जाता है. सपोज कीजिए आप एब्सिस ड्रेनेज में क्या होता है कि पस फॉर्मेशन हो जाता है उसमें आपने वो इंसिजन किया और वो जो पस है वो गश आउट होके बाहर हो गया. द सेम थिंग WCT आप लीजिए WCT में आपने बॉडी के ऊपर आर्टिफिशियल स्किन बैरियर को खोला और जितने भी जो नेचुरली एक्सक्रीट जो थे सारे के सारे जो एक्सक्रीशन करने योग्य जो
इसे आपने कॉन्सेंट्रेट किया है स्नेहन स्वेदन से, तो वो गश आउट होके बाहर आ जाते हैं. सो इससे क्या होगा कि ये जो फेनेस्ट्रर स्किन कैपिलरीज है, ये जो बिल्कुल सुपरफिशियल स्किन कैपिलरीज है और इंटरस्टिशियल फ्लूड है जो आपकी बॉडी के अंदर हार्मफुल चीजें हैं उनको बाहर निकाल रहा है. एंड यू कैन नो कि आप जो बहुत बहुत जो बहुत दूर की स्किन कैपिलरीज है, ठीक है, इंटरस्टिशियल फ्लूड है, अगर आप ये सोचते हैं कि वहां से अगर आप कोष्ठ में पहुंचाएंगे दोषों को, तो आप इमेजिन कर सकते हैं हमें कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है. और हाउ मतलब स्नेहन स्वेदन के अगर हम अपने सिद्धांत को भी ले, तो अगर हमें सबसे दूरस्थ स्किन कैपिलरीज और इंटरस्टिशियल फ्रूट से अगर दोष निकाल के कोष्ठ में लेके आना है, द अमाउंट ऑफ एफर्ट्स वी आर गोइंग टू पुट ऑन द होल प्रोसेस कितना ज्यादा होगा. और हम स्नेहन स्वेदन करने के बाद वहीं पे एक कट लगा के और बाहर निकाल दें, सो यू कैन अंडरस्टैंड कि कितना मेटाबॉलिक बर्डन जो हम पेशेंट के ऊपर डालने की हमें जरूरत थी वो हमने नहीं डाला और हमने कितना इजीली उस चीज को बाहर निकाल दिया. सो और ऊपर से साथ ही में क्या होता है कि सक्शन फोर्स जो होता है वो स्वेट ग्लैंड्स के ऊपर, सबेशियस ग्लैंड के ऊपर, डर्मल सेल्स के ऊपर भी सक्शन प्रेशर डालती है, वो सक्शन फोर्स डालता है. सो वहां पे एक एडिशनली क्लींजिंग फंक्शन भी होता है. सो यू कैन अंडरस्टैंड कि और ऊपर से जो है एक बहुत इंटरेस्टिंग फिनोमेना है कि WCT के अंदर कभी भी हेल्दी ब्लड सेल्स होते हैं ना, वो कभी इवैक्यूएट नहीं होते. व्हाई? बिकॉज हेल्दी जो ब्लड सेल्स है दे आर वेरी लार्ज बिकॉज दे आर 100 to 1000 टाइम लार्जर साइज देन 6 to 10 डायमीटर ऑफ पोर्स ऑफ स्किन कैपिलरीज. स्किन कैपिलरीज के अंदर कभी भी हेल्दी सेल्स जो होते हैं वो नहीं होते. बेसिकली स्किन कैपिलरीज के अंदर ओनली सेल डेब्रिस ही रिमूव होगी. सो यू कैन इमेजिन कि आप जो भी निकाल रहे हो WCT के अंदर वो आप सिर्फ कचरा ही निकाल रहे हो, यू आर नॉट रिमूविंग सेल प्रॉपर वेल फॉर्म हेल्दी ब्लड सेल आप निकाल ही नहीं रहे हो बिकॉज वो पॉसिबल ही नहीं है वहां पे जाना. वहां पे तो सिर्फ सेल डेब्रिस ही निकलेगी. So you can see, हम सिर्फ कचरा निकाल रहे हैं, हम सिर्फ दोष निकाल रहे हैं. We're not even removing the good healthy cells over here, blood cells over here, because the size of capillaries is very much less, बहुत छोटा है. वहां पे तो पहुंचता ही नहीं है हेल्दी सेल्स. तो जो हेल्दी सेल्स ब्लड कैपिलरीज में है ही नहीं और वो स्किन कैपिलरीज से हम कट करके दोष निकाल रहे हैं, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि हम सिर्फ जो है वो ओनली सेल डेब्रिस ही निकाल रहे हैं. सो इट इज एन एडेड बेनिफिट कि हम कुछ भी हेल्दी नहीं निकाल रहे हैं. नेक्स्ट आ जाता है आपका फ्लेबोटॉमी बेनिफिट. फ्लेबोटॉमी इज क्या ब्लड लॉस का जो बेनिफिट है वो आप कर रहे हैं. सो इन WCT जो आप कप्स वगैरह देखते हैं दैट इज नॉट मोर, उसमें 50 to 100 ml से ज्यादा का ब्लड लॉस नहीं होता है. सो आप देखिए कि वेरियस जो WCT के सेशन के अंदर जो है आप निकालेंगे दैट इज आल्सो वेरी कंट्रोल्ड, ठीक है. और WCT एक सेशन के बाद जो है सीरम फेरेटिनिन के लेवल्स में रिडक्शन होता है, ठीक है. और ये कंट्रोल है, दैट इज अ कंट्रोल थिंग कि आप अगर एक सेशन दोगे तो सिर्फ सीरम फेरेटिन ही लॉस होगा, ठीक है. So you have control this. लेकिन अगर आपको सीरम आयरन रिड्यूस करना है बॉडी का तो आपको मल्टीपल सेशन देंगे. सो इट इज वेल प्लान्ड. आप कर सकते हो कि आप क्या चाहते हो, ठीक है, आपको क्या चाहिए, दैट इज क्वाइट क्लियर कि आपको सीरम अगर फेरेटिन ही निकालना है तो आप एक ही दीजिए. लेकिन अगर आपका मोटिव है सीरम आयरन को रिड्यूस करना तो आप पेशेंट को मल्टीपल सेशन ऑफ WCT दीजिए, ठीक है. एंड ओवर हियर आई वुड लाइक टू एड अप के जो फ्लेबोटॉमी बेनिफिट्स के जहां पे एक्चुअल में रिजल्ट्स देखे गए हैं, आई एम गोइंग टू नेम यू दोस डिजीजेस जहां पे जो फ्लेबोटॉमी के बेनिफिट्स जो है वो प्रैक्टिकली ऑब्जर्व्ड है,
दे आर वेल स्टैब्लिश्ड है, इसे मेटाबॉलिक सिंड्रोम, मेटाबॉलिक सिंड्रोम में भी, क्योंकि देर आर वेरियस ऑफ डिजीजेस इन मेटाबॉलिक सिंड्रोम, जैसे वेस्टरल ओबेसिटी है, हाइपरटेंशन है, डिसलिपिडीमिया में है, हाइपरग्लाइसीमिया, इंसुलिन रेजिस्टेंस, ग्लूकोज इंटॉलरेंस, फैटी लिवर डिजीज है. तो इस तरह की जो भी मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स हैं, रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं, मतलब इस तरह की जहाँ पे भी आपको पिक्चर मिलती है मेटाबॉलिक सिंड्रोम की, तो वहाँ पे आप विथ कॉन्फिडेंस आप WCT यूज कर सकते हैं, बिकॉज दीज आर द प्रूवन कंडीशंस जहाँ पे आपको WCT का बेनिफिट मिलेगा. देन देर आर अदर कंडीशंस जहाँ पे आपको जब फ्लेबोटॉमी का बेनिफिट मिलता है, दो देर आर पॉलीसाइथीमिया वेरा, हिमाक्रोमेटोसिस, पॉलीफिया क्यूटनिस टार्डा, सिकल सेल डिजीज होती है, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज विथ हाइपरफेरेटीमिया है. तो यहाँ पे आपका जो WCT के कारण से जो ब्लड लॉस होता है, उसके कारण से प्रोग्नोसिस जो होती है वो फेवरेबल हो जाती है. देन द अदर थियोरी दैट इज फेवरिंग द मोड ऑफ एक्शन इज पेन मैनेजमेंट, कि जो WCT का जो मोड ऑफ एक्शन है वो पेन मैनेजमेंट के ऊपर वर्क करता है. एंड हाउ इट इज मैनेज, तो पहला जो इसके ऊपर आता है वो कि WCT के कारण से सर्कुलेशन पे इफेक्ट पड़ता है. देर इज चेंज इन सर्कुलेशन. हाउ इट इज चेंजेस इन सर्कुलेशन, WCT से क्या होता है कि देर इज डिक्रीज, क्योंकि डिक्रीज इन कैपिलरी वीनस रिटर्न, ठीक है, और इंटरस्टिशियल फ्लूड प्रेशर, वीनस प्रेशर और पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस के कारण चेंजेस होते हैं, में चेंजेस होते हैं, जिसके कारण से ब्लड फ्लो में इम्प्रूवमेंट होता है, ठीक है, और उससे ऑक्सीजन सप्लाई जो होती है वो एनहांस होगी और टिश्यू परफ्यूजन में भी आपको बेनिफिट होगा. और ओवरऑल बेनिफिट में क्या होता है कि इसमें कंजेशन और मसल स्पास्म जो है वो रिलीव होता है. सपोज कीजिए, अगर मुझे मैंने अपने हैंड के ऊपर अगर WCT किया है, तो वहां पे जो है वहां से ब्लड निकल गया, सो द सेम ब्लड इज नॉट गोइंग, दैट सेम इंटरस्टिशियल फ्लूड और जो कैपिलरी वीनस रिटर्न है वो तो बॉडी में वापस जाएगा नहीं. सो देयर इज गोइंग टू बी लॉट ऑफ चेंज इन सर्कुलेशन, ठीक है, या मोटा मोटा समझेंगे, क्योंकि मैंने इतनी सारी कॉम्प्लिकेटेड चीजें बोल दी है एंड आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग यू टू अंडरस्टैंड दैट. तो मोटा मोटा समझिए इस चीज को कि वहां से कंजेशन रिलीव हुआ है, ठीक है, तो कंजेशन रिलीव के कारण से एक न्यू आपको वहां पे न्यू आएगा, मतलब न्यू ब्लड आएगा, समथिंग न्यू, न्यू पूल आएगा, न्यू पूल ऑफ ब्लड है वहां तक पहुंचेगा, ठीक है. दैट न्यू पूल ऑफ ब्लड जो होता है दैट इज गोइंग टू ब्रिंग सम गुड थिंग्स विद यू, एंड जो ओल्ड जो पूल ऑफ ब्लड है उसके अंदर बहुत सी ऐसे टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स होंगे वो बाहर निकलेंगे, ठीक है. सो दिस इज गोइंग टू यू नो रिलीव या मेक आपका इन्फ्लेमेशन और पेन स्टिमुलस के अंदर आपको जो है वो रिलीफ देगा. सो दिस इज अ थियोरी एंड देर आर सर्टेन एविडेंस कि भाई इस तरह का कोई इफेक्ट सर्कुलेशन पे डालता है, ठीक है. देन नेक्स्ट इसका एक थियरी आती है काउंटर इरिटेंट की आती है. तो एक 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 स्टडी हुआ है कि वहां रैट के ऊपर, रैट मॉडल के ऊपर हुआ है कि रैट के ऊपर में पैरालंबर रीजन के ऊपर जो था एक WCT किया गया था, तो पाया गया था कि वहां पे हीट शॉक प्रोटीन 17 करके जो होता है, दैट इज अ प्रोटीन जो कि स्ट्रेस इंड्यूस डीनेचुरेशन प्रिवेंट जो करता है, और बीटा एंडोफ्रीन जो होता है वहां पे वो एलिवेट करता है, ठीक है, WCT का जो फंक्शन के बाद जो है. एंड दीज टू आर नोन टू बी कॉज ऑफ पेन रिलीफ. सो आप ये सोच सकते हैं कि अगर रैट के अंदर ऐसी कोई चीज एनहांस हुई है आफ्टर WCT,
जो कि पेन रिलीफ कॉज करती है. मतलब दो मार्कर्स ऐसे पाए गए हैं जो कि एक एक एंडोजीनस ओपोइड है और एक एक प्रोटीन पाया गया है, एलिवेटेड लेवल्स पाए गए हैं इन द प्रोसेस ऑफ WCT. सो देर इज सम चेंजेस, सम कोई फिजियोलॉजिकल चेंज हुआ है मेटाबॉलिक मेटाबॉलिक लेवल के ऊपर. तो देर मे बी समथिंग कि ये ह्यूमन बॉडी के ऊपर भी ऐसा हो सकता है कि वहां पे कुछ मेटाबॉलिक चेंजेस हो ड्यू टू दिस प्रोसेस. सो बेसिकली इट इज ऑन रैट मॉडल. तो मे बी इन फ्यूचर शायद कोई इस तरह का वर्क ह्यूमन में भी हो. एंड मैं उस चीज को अगर एनकाउंटर करूं तो लेटर कभी शायद मैं आपसे शेयर कर पाऊं इस चीज को. बट टिल देन हमें रैट मॉडल के ऊपर ही अपना जो है ये काउंटर इंटेंट वाला जो पार्ट है वो करना पड़ेगा. एंड देर इज ऑल्सो फाउंड कि ह्यूमन कार्डियक रिदम्स जो है उसमें भी चेंजेस पाए गए हैं WCT से, और कार्डियक रेट वेरिएबिलिटी पाई गई है वहां पे. इंक्रीज हार्ट रेट वेरिएबिलिटीज पैरामीटर्स जो हैं पाए गए हैं आफ्टर WCT सेशन, जिसका कार्डियो प्रोटेक्टिव एक्शन है जो दीज और कार्डियो प्रोटेक्टिव एक्शंस जो हैं वो इस तरह से कहे गए हैं कि जो सिंपैथो वेगल इम्बैलेंसेस है उसको रिस्टोर करती है. ठीक है, और कैसे रिस्टोर करती है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करके. सो दिस रिसर्च जो मैंने आपको भी बताया है दिस इज अ एस्टैब्लिश रिसर्च. ये एक एस्टैब्लिश रिसर्च है, ऐसा बिल्कुल दिस इज एन एविडेंस बेस्ड रिसर्च पाया गया है. देन एक और रिसर्च पाई गई है कि जिस काउंटर इरिटेंट को ही सपोर्ट करती है कि WCT जो है वो एक स्टिमुलेट करती है अक्यूट पेन फाइबर्स को. ठीक है, जो कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को अफेक्ट करते हैं. एंड दिस अफेक्शन मींस जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को स्टिमुलेट करते हैं जिसके कारण से बी एंडोफोरिन एंसेफलिन जो है वो मोर सिक्रीट होता है, और ओपोइड सिस्टम है वो एक्टिवेट होता है, और पेन ट्रांसमिशन का इनहिबिशन होता है. और ये सारा जो प्रोसेस होता है वो साइमल्टेनियसली टैक्टाइल सेंसरी सिग्नल के द्वारा से होता है जिसकी कारण जो पेन गेट को अफेक्ट करता है. बेसिकली मोटा से समझे तो ये जो पेन थ्रेशोल्ड जो होता है साइट का उसको ऑल्टर करता है. सो यू कैन अंडरस्टैंड कि भाई आप जो है काउंटर रेटेंट कैसे हो रहा है कि वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर इफेक्ट डालता है, और ताकि पेन जो है वो कम महसूस हो. तो वो एक पेन जो है पेन थ्रेशोल्ड को बढ़ा देगा बॉडी के. सो इस तरह से भी ये पेन मैनेजमेंट करता है. देन नेक्स्ट जो थियोरी बोलता है कि मेटाबॉलिक इफेक्ट्स होते हैं. सो हाउ द WCT इज कॉजिंग मेटाबॉलिक इफेक्ट, तो कहा मतलब कहा गया है कि मतलब स्टडीज बताई है, स्टडीज जो हुई है वो कहती हैं कि जो WCT से मेटाबॉलिक पाथवेज जो है उनमें ऑल्टरेशन पाया गया है. कैसे पाया गया है कि हेल्दी वॉलंटियर्स को लेके उनका वीनस सैंपल बिफोर एंड आफ्टर WCTs के एनालाइज किया गया फॉर वेरियस मेटाबोलाइट्स. तो वहां क्या पाया गया, वहां पाया गया कि बिफोर आपने सैंपल लिया और आफ्टर सैंपल लिया, और आफ्टर सैंपल में ऑब्जर्व क्या किया कि WCT के बाद जो सैंपल लिए गए थे उसमें आई एम गोइंग टू नेम फॉलोइंग थिंग्स जो 17 पाथवेज से रिलेटेड जो मेटाबोलाइट्स हैं उनके अंदर वेरिएशंस पाए गए. सो वेरिएशंस जिन जिन पाथवेज के मेटाबोलाइट्स जिनमें जिन वो डिक्रीज पाए गए वो है एस एडेनोसाइन होमोसिस्टीन, पायरो पायरोक्सोअमीन, निकोटोअमीन बारबुटराइड, डिजीऑक्सी एडेनोसिन, कॉर्टिकोसोन, डी ग्लूकोज, 7-डी हाइड्रो कोलेस्ट्रॉल, 1-2 हाइड्रोऑक्सी ग्लूटेनिक एसिड, 3-हाइड्रो ब्यूट्रिक एसिड सीई,
ट्रोकोलिक एसिड, सी एपी एंडोस्टिरोन, 7-कीटो कोलेस्ट्रॉल, ये जो है वो कम पाए गए. और जो जो मेटाबोलाइट्स जो है आफ्टर डब्ल्यूसीटी बढ़े हैं वो है एल आर्जिनिन, कोलेस्ट्रॉल, एल्डोस्टेरोन. सो यू कैन सी के दोनों सैंपल्स के अंदर बहुत सी चीजें हैं वो पाई गई हैं. एंड और ये बेसिकली ये सारे के सारे किन किन चीजों से रिलेटेड है, आई एम गोइंग टू नेम सम ऑफ देम. कि ये स्टेरॉइड स्टेरॉयडोजेनेसिस से रिलेटेड है, इंसुलिन सिग्नलिंग से रिलेटेड है, स्टेरॉइड बायोसिंथेसिस, विटामिन B6 मेटाबॉलिज्म, विटामिन मेटाबॉलिज्म, ग्लूकोज एनिलीन साइकिल, निकोटिनेट निकोटोमाइन मेटाबॉलिज्म, बाइल एसिड बायोसिंथेसिस से, प्रोटीन बायोसिंथेसिस से, यूरिया साइकिल से, ग्लाइकोलिसिस से, मेथियोनाइन मेटाबॉलिज्म से, गैलेक्टोज मेटाबॉलिज्म से, आर्जिनिन एंड प्रोलिन मेटाबॉलिज्म से, ग्लूकोनियोजेनेसिस एंड प्यूरिन मेटाबॉलिज्म से. यू नो आप जैसे आप मेटाबोलाइट्स तो आप नहीं इतने कैचअप कर पाएंगे, बिकॉज इवन आई एम, अगर मुझसे पूछे तो मैंने भी कैचअप नहीं किया था. मैं सिर्फ नाम ले रही थी, बिकॉज आई एम नॉट इन टू सच थिंग्स. ठीक है, मैं इतना फिजियोलॉजिस्ट थोड़ा ना हूँ, है ना. आई एम एन क्लिनिशियन एंड आई डोंट एक्सपेक्ट यू टू अंडरस्टैंड दीज, लेकिन मैं पाथवेज में ये तो आपको समझ में आता है ना कि भाई स्टेरॉइड के जेनेसिस से है, इंसुलिन सिग्नलिंग से, मतलब कौन कौन से पाथवेज हैं. लाइक ग्लूकोनियोजेनेसिस समझ में आता है अपन को, यूरिया साइकिल अपन को समझ में आती है, प्यूरिन मेटाबॉलिज्म समझ में आता है. सो यू कैन कैच अप दीज थिंग्स. ओके, विटामिन B6 मेटाबॉलिज्म से को चेंज करते हैं, ऑल्टर करते हैं पाथवेज. सो यू कैन सी इट्स अ होल रेंज ऑफ, मतलब पूरा फिजियोलॉजी जो है वो चेंज हो जाती है. प्रोटीन, यूरिया, ग्लूकोज, है ना, प्यूरिन. सो इन सब के मेटाबॉलिक पाथवेज को ये अफेक्ट करता है. ठीक है, तो आप मोटा मोटा समझ सकते हैं ना कि ये कैसे वर्क करता है. एंड यू कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड के कैसे हमारा पित्त जो है, पित्त दोष जो है वो हम कंट्रोल कर रहे हैं रक्त मोक्षण से. फिर नेक्स्ट एक थियोरी है कि ये इम्यून मॉड्यूलेशन करता है. इम्यून मॉड्यूलेशन कैसे करता है कि जब वुंड जो होता है, वुंड क्रिएट हुआ है बॉडी के अंदर इन द प्रोसेस ऑफ डब्ल्यूसीटी, हमने चोट पहुंचाई है. जब भी आप चोट पहुंचाते हो तो वहां क्या होता है, वैस्कुलर टोन जो होती है वो चेंज होती है, जिसके कारण से देयर इज चेंजेस इन म्यूकोसल परमीबिलिटी, जो लिम्फैटिक सर्कुलेशन को एनहांस करती है. दिस इज बेसिकली, है ना, आप ये तो बेसिक वुंड हीलिंग वाले में अपन बात कर रहे हैं. तो वहां पे क्या होता है, फैगोसाइटोसिस एनहांस हो जाता है, एंडोजीनस ओपॉइड रिलीज हो जाता है, इन्फ्लेमेटरी सेल का माइग्रेशन बढ़ जाता है, स्किन सेंसिटिविटी जो है वो ऑल्टर्ड हो जाती है, उसकी टॉलरेंस ऑल्टर्ड हो जाती है. सो ये सारा के सारा जो हम डब्ल्यूसीटी में करते हैं, ये बेसिकली लोकल इम्यून मॉड्यूलेशन करता है उस साइट का. एंड यू नो एक छोटा सा भी चेंजेस इन अ बॉडी इज गोइंग टू चेंज द होल होल सिनेरियो ऑफ द बॉडी. जैसे हम कहते हैं ना, जैसे हम नस्य की जब हम बात करते हैं, मोड ऑफ एक्शन की बात करते हैं, तो आपने पढ़ा होगा कहीं पे कि हमें नस्य में क्या होता है, मोड ऑफ एक्शन में, कि एक सीख निकालनी होती है ताकि वो झाड़ू ढीली हो जाए, है ना. यही नस्य का यही होता है ना कि हम नस्य कर्म में क्या करते हैं, हम पूरे दोष नहीं निकालते. इट इज उसका प्रोसेस क्या होता है, हमें एक अच्छी बंधी हुई झाड़ू में से 2-3 सीखे आप निकाल दीजिए तो वो झाड़ू ढीली हो जाएगी और उसके बाद सारी की सारी झाड़ू जो है टूट जाएगी. दिस इज द बेसिक प्रैक्टिकल फिजिकल एग्जाम्पल गिवन टू एक्सप्लेन द नस्य कर्म. द सेम थिंग इज एप्लीकेबल ओवर हियर ऑल्सो, कि हमने थोड़ा सा चेंजेस किए. हमने इमेजिन कीजिए, सेम प्रिंसिपल आप यहाँ लगाइए, हमने सीख में से एक दो झाड़ू निकाल, एक दो सीखे निकाली है तो फिर वो पूरी झाड़ू टूट जाएगी. तो हमने भी यहाँ क्या किया है, थोड़ा सा कट लगाया है, थोड़ा सा इम्यून मॉड्यूलेशन किया है. एंड दिस स्मॉल इम्यूनो मॉड्यूलेशन कैन कॉज अ बिग इम्यूनो मॉड्यूलेशन इन द होल बॉडी. ठीक है, सो प्रिंसिपली इट इज सेम. फिर नेक्स्ट आ जाता है आपका एंटी ऑक्सीडेंट इफेक्ट.
सी सो एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट क्या होता है, स्किन वोन्ड हीलिंग से रिलेटेड है ये. सो स्किन वोन्ड हीलिंग में क्या होता है कि एक वाइल स्किन वोन्ड हीलिंग होती है तो वहां पे जो एंडोजिनियस नाइट्रिक ऑक्साइड दैट इज एन एंटीऑक्सीडेंट उसका एनहांस हो जाता है प्रोडक्शन के अंदर, ठीक है. दैट इज बाय अपरेगुलेशन एक्सप्रेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेसिस. ये अपन सबको अच्छे से मालूम है कि वुंड हीलिंग में नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेसिस के कारण से जो है एंटीऑक्सीडेंट प्रोड्यूस होता है. और ये एंटीऑक्सीडेंट क्या करता है, ये वैस्कुलराइजेशन करता है, वैस्कुलर रेजिस्टेंस को डिक्रीज करता है, ब्लड प्रेशर को लोअर करता है, और प्लेटलेट एग्रीगेशन एडिशंस को इनहिबिट करता है, ल्यूकोसाइट एडिशंस को इनहिबिट करता है, ठीक है. और स्मूथ मसल्स पॉलिफ्रेशन को में रिडक्शंस करता है. सो ऑल दीज थिंग्स जो होते हैं, ये सारे के सारे एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट्स जो होते हैं वो पाए जाते हैं. एंड इस चीज को स्टैब्लिश करने के लिए एक प्रॉपर स्टडी कंडक्ट की गई है बिफोर एंड आफ्टर वीनस सैंपल के अंदर, ठीक है. और उसमें असेस किया गया था सीरम नाइट्रिक ऑक्साइड, मोनोएल्डिहाइड लेवल्स, सुपर ऑक्सीडाइज डाइमेस्टर्स एंड यू नो अ होल लेवल ऑफ थिंग्स, ठीक है. मतलब मैं आपको नाम नहीं गिनाना चाहती बिकॉज मुझे खुद मतलब मुझे खुद इन सब के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है. सो आई एम नॉट गोइंग टू पुट एनी बर्डन ऑफ ऑल दीज थिंग्स ऑन यू. तो बेसिकली आप समझिए कि ये थ्रू सर्टन एंजाइमेटिक एक्शंस, थ्रू सर्टन एंटिटीज, मेटाबॉलिक एंटिटीज की एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट्स जो है वो करता है WCT के, एंड इट इज अ एस्टैब्लिश्ड फिनोमेना, ठीक है. देन नेक्स्ट आता है, जब भी हम बात करेंगे अलाबू की बात करेंगे, तो जो फायर एलिमेंट्स जो WCT का होता है, जो वार्मथ होती है फायर की, वो वैसोडाइलेशंस करती है जिसके कारण से वैस्कुलर टोन जो होती है वो इनहांस हो जाती है. जो ब्लड वेसल्स की परमिएबिलिटी, मस्कुलर म्यूकोसल परमिएबिलिटी, फैगोसाइटिकल एबिलिटी, इन सबको बढ़ाती है, जिसके कारण दिस दिस थर्मल स्टिमुलेशन है जिसके कारण से इम्यून मॉड्यूलेशन हो सकता है. सो यू कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड कि हम कफ व्याधि के अंदर अलाबू क्यों यूज करते हैं, बिकॉज द थर्मल स्टिमुलेशन जो होता है वो लिम्फैटिक सर्कुलेशन को इनहांस करके इम्यून मॉड्यूलेशन करता है. सो यू कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड दिस फिनोमेना कि वाई कफज व्याधि के अंदर हम अलाबू यूज करते हैं, नॉट श्रिंग, ठीक है. आप समझ रहे हैं ना, कटु उष्ण कटु वाला गुण यहाँ पे, ठीक है. देन आप चाइनीज थियोरी में आप मेरिडियन और बैलेंसिंग ऑफ क्वी जो है, इट इज एन एस्टैब्लिश थियोरी कि वहां पे माना जाता है कि एनर्जी मेरिडियंस होते हैं जो बैलेंस करते हैं कि यिंग यांग को, तो उसके कारण से ये एक जो होता है बॉडी को बेनिफिट देती है. और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और चीज है कि एक्यूपंचर से रिलेटेड आई एम गोइंग टू टेल यू, एंड बिकॉज इट इज रिलेटेड ओवर हियर. एक्यूपंचर में क्या होता है, द सेम थिंग, द साइट इज सेम, है ना. जो आपका इंट्रोस्कैपुलर साइट है वो एक्यूपंचर की साइट है, एंड दैट इज द साइट ऑफ WCT, मोस्ट प्रेवलेंट साइट है WCT की. तो वहां पे क्या होता है कि अबंडेंट ब्राउन एडिपोज टिश्यू होता है, ठीक है. और वहां पे लार्ज डिपॉजिट होते हैं फेरिग्यूनस माइटोकॉन्ड्रिया के, वो बहुत एनर्जी सोर्स होते हैं बॉडी के. मैं दिस इज अ प्रॉपर, हम साइट से रिलेटेड बात कर रहे हैं, जो हमने बात की थी ना प्रिवेंटिव प्रिवेंटिव एस्पेक्ट के हिसाब से. तो यहाँ पे अबंडेंट ब्राउन एडिपोज टिश्यू रहता है और एनर्जी सोर्स बहुत रहता है और बहुत डेंस नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज रहता है विथ लो ब्लड वेलोसिटी. सो ये जगह बहुत आइडियल होती है एक्सक्रीशन साइट के लिए, ठीक है. इसीलिए, और अगर यहाँ पे एक शॉर्ट टाइम आप ऑल्टरनेशन करोगे टेम्परेचर का ऑन ब्राउन एडिपोज टिश्यू, ठीक है, तो ये क्या करेंगे, ये इट कॉजेस, ये ट्रिगर करता है ट्राइग्लिसराइड रिच लिपोप्रोटीन का, जो कि प्लाज्मा लिपिड्स का क्लियरेंस करेगा. सी एंड वन मोर थिंग, ये वाली जो ये पर्टिकुलर साइट जो होती है ये बहुत प्रॉक्सिमल होती है सिंपैथिक गैंग्लियन के, ठीक है, जो बहुत नियर बाय होती है. सो एनी चेंजेस विच वी आर गोइंग टू कॉज एनी चेंज ऑन दिस साइट, तो
बहुत बहुत इजीली कम्युनिकेट होगा सिंपैथिक गैंग्लियन से, ठीक है, एंड थोरेसिक डक से, और बहुत सी मेजर ब्लड थोरेसिक डक्ट और मेजर ब्लड सप्लाई से. सो ऑल दिस इज गोइंग टू एट्रीब्यूट अ बेनिफिशियल रोल ऑन द बॉडी फिजियो ऑन द बॉडीज फिजियोलॉजी. और सबसे अच्छी और सबसे वेस्टर्नियस जो है, वेस्टर्न मेडिसिन जो कहें, वो सबसे ज्यादा मतलब इस जो थियोरी को मानते हैं कि दे से प्लेसिबो इफेक्ट थियोरी, वो बोलते हैं कि WCT से क्या होता है, एक पेशेंट में एक यूफोरिया की कंडीशन बन जाती है, जो यूफोरिया की कंडीशन के कारण से उसके साइकोलॉजिकल इफेक्ट के कारण से थेरेप्यूटिक बेनिफिट्स होते हैं. सो अंटिल एंड दिस इज द मोस्ट एक्सेप्टेड थियोरी इन द वेस्टर्न मेडिसिन स्टिल द एग्जैक्ट मैकेनिज्म ऑफ दिस WCT इज नॉट बीन अंडरस्टूड एंड प्रूवन, ठीक है. मतलब ये एक है कि प्लेसिबो इफेक्ट थियोरी है. सो इवन हम इसमें भी खुश हैं कि प्लेसिबो इफेक्ट थियोरी इज अ बिग थियोरी. अगर आपको बिना कुछ किए प्लेसिबो इफेक्ट से भी बॉडी में इफेक्ट मिल रहा है, वी आर एमिंग एट थेरेप्यूटिक इफेक्ट. आइदर इट इज बाय अ लॉजिकल इफेक्ट और अ प्लेसिबो इफेक्ट, इट इज इररिलेवेंट. द पेशेंट इज गेटिंग बेनिफिट, दैट इज आवर मेन एम. So with this, I'm going to conclude my lecture and I would request ke madam, aap jo pictures hain, that is on slide number 9, wo aap please show kar dijiye. So on slide, there are, ye jo hai, aapko ek string dikhega. Jo string hai, ye hollow hai. See, on 9th slide jo hai, ye hollow string hai. ये दिस इज अनपॉलिश्ड एंड हॉलो स्ट्रिंग जो कि यूज होते हैं, आई मीन ट्रेडिशनली कहीं यूज करते होंगे, ऑल्दो आई हैवंट यूज इट. और ये हमारा NIA की म्यूजियम की एक पिक्चर है जहाँ पे हमने वेरियस साइज की स्ट्रिंग जो है, ये हमने एक डिपिक किए हैं कि स्ट्रिंग, ताकि आप देख लीजिए कि वॉट इज स्ट्रिंग. Then the next one is Alabu, ठीक है, and ये Alabu, this is a dried Alabu, and the same Alabu है, हमने एक patient के ऊपर use किया. You can see one of our scholar, and this is one of our scholar is ये देख रहे हैं, उन्होंने swab को burn किया है, और ये Alabu का हमने जो part है, that is on 11th slide. उस अलाबू का जो टॉप वाला पार्ट को काट के और उसको उसको हमने उसके अंदर उसके मुंह के आगे हमने उस जलते हुए स्वाप को रखा है. देन ऑन द स्लाइड 13 आप देखिए कि हमने वो अलाबू है वो पेशेंट के पैरों पे चिपका दिया है, एंड यू कैन सी द कंडीशन ऑफ द लेग ऑफ द पेशेंट. ये ऊपर तो व्हाइट है, नीचे देखिए लेग कितना ब्लैक है. See? आप देख रहे हैं 13th स्लाइड पे. सो देन ऑन द 14th नंबर ऑफ स्लाइड आप देखिए कि हमने वो अलावा जब निकाला है तो आप एक ब्लड जो सूखा हुआ ब्लड ड्राइड है वो क्लॉट जैसा बन गया है ब्लड, उसको आप देख सकते हैं. यू कैन, दिस इज अ प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ व्हाट वी हैव डन क्लिनिकली, ठीक है. नेक्स्ट स्लाइड मैम, 15th स्लाइड है ये, आप देखिए कपिंग सेट है. यू कैन सी द वेरियस आप कप्स देख सकते हैं. On 16th, you can see हमने एक पेशेंट को के को 16 स्लाइड लगाया है. एंड स्लाइड नंबर 17 पे आप देखिए हमने पेशेंट को लगा के वो ब्लड आ गया है. सो विद दिस आई एम गोइंग टू कंक्लूड माई लेक्चर. थैंक यू ऑल फॉर लिसनिंग.
थैंक यू वेरी मच मैडम। मैडम आपने वेट कपिंग के द्वारा है ना उनका आपने डिटेल में डिस्क्रिप्शन हमें बताया, इससे ये साबित होता है कि आप एक अच्छे एकेडमिशियंस के साथ साथ क्लिनिशियन भी हो और उसके साथ साथ एक रिसर्चर भी हो। तो आपने अपने इस नॉलेज से हमें सभी को अभिभूत किया है, मैं आपका हार्दिक अभिवादन करता हूँ। और इस कार्यक्रम की अगली श्रृंखला में मैं हमारे विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर डॉक्टर गीता सिंघल मैडम से निवेदन करूंगा कि वो दो शब्द कहे। ओवर टू यू मैडम, डॉक्टर प्रोफेसर गीता सिंघल मैडम। मैम अनम्यूट कर लीजिए। गीता मैम आवाज नहीं आ रही है। मैम अभी अनम्यूट तो हो गया। डॉक्टर हार्दिक उधर आ रही है आवाज? ना मैडम। अच्छा जी, नहीं मैडम अभी आवाज आ नहीं रही। जब तक मैडम हमारे साथ ज्वाइन करती है। जी अनम्यूट हो गया। मैडम थोड़ा बोल के देखिए। मैडम आ नहीं रही मैडम अभी आवाज। जब तक मैडम हमें ज्वाइन करती है तब तक मैं डॉक्टर लग रहा है कि अभी हो जाएगा मगर हो नहीं पा रहा है। तब तक मैं डॉक्टर विरल भाई शाह को निवेदन करती हूँ कि सर हमें कुछ एकाधा ड्रग पढ़ा दीजिए। और आपसे एक और भी निवेदन था डॉक्टर विरल भाई कि क्या आप हमें प्रत्येक शुक्रवार को या तो जब भी आपको समय हो तब उस शुक्रवार को एक ड्रग प्रत्येक लेक्चर में पढ़ा सकते हैं तो स्टूडेंट्स का और मेरा भी बहुत ज्यादा द्रव्य गुण का जो सीधा पंसारी से लिख के चिकित्सा करने का जो अनुभव है वो बढ़ेगा और कहीं ना कहीं उस चिकित्सा के माध्यम से पेशेंट को भी बहुत फायदा रहता है। कम पैसों में ड्रग पड़ती है और बहुत थोड़े पैसों में ज्यादा दिन तक भी चल जाती है। तो एक ऐसा निवेदन था डॉक्टर विरल भाई शाह। भैया अनम्यूट कर लीजिए। शायद डॉक्टर विरल भाई से भी अनम्यूट हो नहीं रहा।
मैं डॉक्टर बलदेव सर से आग्रह करती हूँ कि आप हमारी आज की मुख्य वक्ता मैडम का धन्यवाद ज्ञापन। हाँ जी विरल भाई, विरल भाई एक बार अनम्यूट करने की कोशिश करिए। डॉक्टर क्षिप्रा एनआईए की टॉपर रही हैं जब पढ़ती थी, पिछला लेक्चर भी इनका जो हुआ था काफी अच्छा सबने सराहा था, वो आज भी जो बोली हैं वो काफी अच्छा बोली, सबको अच्छा लगा होगा, सबका ज्ञानवर्धन हुआ होगा। डॉक्टर क्षिप्रा जी का मैं वैब की तरफ से और अपनी तरफ से डॉक्टर हेतु जी की तरफ से पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और आगे भी वो इसी प्रकार मंच से जुड़ी रहेंगी, अपना योगदान अपने ज्ञान के माध्यम से इसी प्रकार देती रहेंगी, ऐसी आशा के साथ डॉक्टर हेतल आपका कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। आज के व्याख्यान में जो भी उपस्थित रहे हैं, आज के व्याख्यान के विशिष्ट अतिथि डॉक्टर गीता मैडम और सभी प्रतिभागियों का जिन्होंने अब तक भी हमारा साथ नहीं छोड़ा है, मैं सभी का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद करती हूँ कि आपने इस ज्ञान यज्ञ में अपनी उपस्थिति देकर इसका कहीं ना कहीं सत्व बढ़ाया है। और मैं चाहती हूँ, जैसे मैं हर बार कहती हूँ, एक बार पुनः कह देती हूँ कि आयुर्वेद लोगों की पहली पसंद बने, हम चिकित्सा का पक्ष लेके सबल रूप में लोगों के सामने जाए, ऐसी हमारी विश्व आयुर्वेद परिषद की कहीं ना कहीं इच्छा रहती है। तो मैं कहना चाहती हूँ कि आप सभी आयुर्वेद का बहुत अच्छी तरह से अध्ययन करें, अध्यापन करें। मैम आवाज आ रही है? जी जी जी, हाँ जी, गीता मैडम की आवाज आ रही है। हाँ, हाँ। जी जी, नमस्कार सर, नमस्कार मैडम, सुनाइए। नमस्कार जी, नमस्कार जी, अब आ रही है आवाज? जी अब आ रही है। ओके सॉरी, मेरे को ये इतनी टेक्निकल नॉलेज नहीं है, तो हर बार कुछ ये गूगल मीट पे कुछ दिक्कत आ रही है मेरे को, मैं इसको कराऊंगी सुधार। मुझे दो शब्द बोलने थे और सभी ने वेट की। मैं इगर थी, मैंने कितने शब्द लिख के रखे थे कागज पे कि मुझे सब कुछ बोलना है। तो विश्व आयुर्वेद परिषद द्वारा आदरणीय डॉक्टर हेतल मैम की अध्यक्षता में जो ये जो श्रृंखला स्टडी सर्कल चल रहा है, उसके लिए मैं वैद्य क्षिप्रा राजौरिया जी का जो भी उन्होंने आज ज्ञानवर्धन के लिए, मुझे सबसे ज्यादा ये हैरानी होती है कि कितनी कैपेसिटी है लोगों की बोलने की और उसको समझाने की, इसके लिए मैं बहुत बहुत हैरान भी हूँ और बहुत बहुत धन्यवादी हूँ कि मैम ने कितनी मेहनत की होगी उसको समझाने के लिए, उस मैटर को इकट्ठा करने के लिए और फिर एक्सप्रेस करने के लिए। यानी उसमें उनमें बहुत ही यानी कि इस तरह से कैपेसिटी है, उसके लिए आभार। और उन्होंने जितना ज्ञानवर्धन किया है उसकी प्रशंसा के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। परंतु ये जो स्टडी सर्कल यानी जो भी आपका कार्यक्रम चल रहा है, तो उस लक्ष्य की प्राप्ति में डेफिनेटली वैद्य क्षिप्रा का भी यानी ऐसे गुणी जनों का बहुत ज्यादा योगदान है। और साथ ही मैम डॉक्टर हेतल और आपकी पूरी ये जो टीम है वो भी सभी प्रशंसा के पात्र हैं, और जो लगातार आयुर्वेद के छात्रों में अपनी ऊर्जा का संचार कर रहे हो आप, इवन लॉकडाउन के दौरान भी मैंने देखा बहुत सी जिम्मेदारियां हैं मैडम को, तो उसके बावजूद पूरे बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाल के बिल्कुल निस्वार्थ भाव से, यानी आप जिज्ञासु भी बना रहे हो लोग, कुछ कुछ लोग पढ़ना चाहते हैं कुछ नहीं पढ़ना चाहते, उसके लिए जिज्ञासु भी बना रहे हो। तो यानी ज्ञानवर्धन के लिए ये जो आयुर्वेद के सेमिनार, मतलब मैं भी उनमें हूँ, जो मैं जिज्ञासु कम थी मैं जिज्ञासु बन गई जब से इस ऑनलाइन सेमिनार से जुड़ गई, तो मुझे तो बहुत बहुत ज्ञान मिल रहा है। तो यानी मैंने बहुत से पॉइंट नोट किए थे पर मैडम ने 2 आवर्स तक पढ़ाया, तो मेरे तो वो दिल की दिल में रह गई जो मुझे बताना था फिर भी। पर मैं कुछ बताना चाहती हूँ जो अपने आयुर्वेद के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, वो जो श्लोक चरक विमान स्थान में बताया गया है ना, मुहुर मुहुर च रोगाणाम अवस्था मातुरस्य च अवेक्षमाणस्तु भिषक् चिकित्सायाम ना मुह्यति, यानी जो बार बार अभ्यास करेगा रोगों का भी और पेशेंट की डिफरेंट फिजिकल कंडीशंस का भी,
ऐसा वैद्य कभी भी मार नहीं खा सकता, यानी चिकित्सा जब करेगा तो वो मार नहीं खाएगा, कभी घबराएगा नहीं। यानी चरक विमान स्थान क्या, पूरा आयुर्वेद बहुत से ज्ञान से भरा पड़ा है और उसके एक एक मोती को चुनने में भी बहुत सारा समय लगता है। तो यानी उसमें मैंने दो चार पॉइंट नोट किए थे, अगर जो आयुर्वेद के लोग यहाँ बैठे हुए हैं या बच्चों के लिए जो मैसेज है मेरा स्पेशल, कि उनको एक एक शब्द को समझने के लिए बहुत टाइम लगेगा। जैसे हम लोग बीएमएस फर्स्ट ईयर में थे तो वही चार कोष्ठ पढ़ लिए, तीन कोष्ठ पढ़ लिए, दो अग्नि पढ़ ली, तो फिर जब मैंने इनको ढूंढा, आतुर परीक्षा भाव पढ़ रही थी मैं एक बार, तो मैंने जब कोष्ठ ढूंढे अलग अलग श्लोकों में, मुझे 20 कोष्ठ की टर्मिनोलॉजी मिली। मैडम उन कोष्ठ के नाम बताती हूँ मैं आज, फिर कभी किसी लेक्चर में उसको एक्सप्लेन भी करूंगी। तो उसमें देखो ये भिन्न कोष्ठ, स्थिमित कोष्ठ, अति मृदु कोष्ठ, अति दारुण कोष्ठ, समृत कोष्ठ, उदावृत कोष्ठ, शून्य कोष्ठ, कृमि कोष्ठ, लघु कोष्ठ, गुरु कोष्ठ, अज्ञात कोष्ठ, इतने कोष्ठ। यानी वो तो बिल्कुल सुपरफिशियल नॉलेज है, जो कोष्ठ इतना ही पढ़ा कि मृदु कोष्ठ, क्रूर कोष्ठ इतना पढ़ लिया, परंतु अगर डेप्थ में जाएं और इन कोष्ठ के अकॉर्डिंग अलग अलग डिजीज में अलग अलग ट्रीटमेंट आयुर्वेद में है, तो यानी इतना ज्यादा भंडार है आयुर्वेद में। यानी ये हमें फ्री में मिल रहा है, ये यानी ज्ञान गंगा फ्री में मिल रही है और उसको लोग ध्यान ही नहीं दे रहे। ऐसे मैंने अग्नि में भी फिर जब पढ़ा, उसमें कहीं दुर्बल अग्नि, यानी वो जो अग्नियों का भेद बताए शुरू में, मंद अग्नि, तीक्ष्ण अग्नि, ऐसे मृदु अग्नि, उससे अलग दुर्बल अग्नि, शांत अग्नि, दृढ़ अग्नि, इतनी अग्नि, यानी उनकी भी डिफरेंट स्टेजेस हैं जिनको हमने समझना है। और मतलब इस संसार में यानी आयुर्वेद की नॉलेज की प्रॉब्लम है, नॉलेज नहीं है लोगों को। आयुर्वेद बहुत कुछ कर सकता है अगर हम उसको सही रूप से इम्प्लीमेंट करेंगे। यानी आयुर्वेद का जो शास्त्र है, अगर हमें उसको समझना है, उसके लिए बहुत बहुत समय देना पड़ेगा, उस पर ध्यान देना पड़ेगा और सही ढंग से उसको हमें इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो आज समय बहुत ज्यादा हो गया है इसलिए मैं ज्यादा बात नहीं करती, पर अभी मेरी मन में रह गई है। परंतु लास्ट में मैं डॉक्टर शिप्रा का, जो आज की आज वक्ता थी, तो उन्होंने वेट कपिंग के बारे में बहुत सा बताया, बहुत सुंदर बताया प्रैक्टिकली, और जो हमारे जैसे लोग थे हमारे लिए भी बहुत ज्यादा वो इंटरेस्टिंग भी था। तो मैं विश्व आयुर्वेद परिषद की तरफ से, मैडम हेतल की तरफ से, सबकी तरफ से मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, और विशेष रूप से डॉक्टर दीक्षा खतूरिया, डॉक्टर हार्दिक चुड़ासमा और अपने आदरणीय वाइस चांसलर सर डॉक्टर बलदेव धीमान जी और डॉक्टर हेतल का आज मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। परंतु मैं ये चाहती हूँ कि और ज्यादा लगे रहो सब लोग, ताकि एक दिन आयुर्वेद अपना नाम कमाएगा। और जिस पर्पज से मैम आपने ये शुरू किया है स्टडी सर्कल, आपको हफ्ते में दो दो लेक्चर देने पड़े, ऐसी मैं विश करती हूँ कि एक हफ्ते में एक लेक्चर से लोग कहीं काम नहीं चलेगा, अभी और बढ़ाओ। तो धन्यवाद, आपने मुझे इस काबिल समझा, और परंतु मेरी टेक्निकल नॉलेज ना होने से मुझे परेशानी आ गई। तो लॉकडाउन के बाद भी आप लोगों ने बहुत स्टडी सर्कल में काम कर रहे हो, तो एक मैं उम्मीद करती हूँ कि जैसी आपकी टीम मैम काम कर रही है, तो ऐसा दिन दूर नहीं कि जब इस पूरे जो आयुर्वेद का जो सपना आपने देखा है संसार में, वो आप अवश्य साकार करेंगी, और जो पूरा छात्र वर्ग या जो आयुर्वेद समाज है हमेशा आपको याद रखेगा। थैंक यू मैडम, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब कि आप आयुर्वेद की इतने बड़े महाविद्यालय की प्राचार्य होने के बावजूद, इतना व्यस्त मैनेजमेंट्स वगैरह देखने के बावजूद भी आपकी विद्यार्थी वर्ष जिज्ञासा भी आज भी इतनी जीवंत है कि जो अन्य को भी जरूर प्रेरित करेगी। डॉक्टर विरल भाई शाह, आपका अनम्यूट हो रहा है माइक, देखिए थोड़ा। हेलो, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बस ये निवेदन आप अगर हमारा स्वीकार कर ले कि हमें आप बिल्कुल मोस्ट वेलकम, आपने ज्ञान की गंगा बनाई है। आप एवरी सैटरडे आप बोलेंगे तो अभी वनस्पतियों की सीजन चल रही है, तो वनस्पति लेकर आएंगे। अभी भी मैं बहुत सारी वनस्पतियां बनासकांठा से लेकर आया हूँ, बहुत पड़ी है।
हाँ जी तो आप बोलेंगे तो अगले शुक्रवार से स्टूडेंट्स को आप सबको दिखाना चालू कर देंगे। हाँ बस एक औषध हम आपसे पढ़ेंगे इसका। हाँ, ना, कोई बात नहीं, आप जितने 5-10 मिनट जो भी बोले बच्चों को प्रचार प्रसार के लिए बोल देंगे। बिल्कुल, मुझे और आपके ड्रग के अनुसार कुछ विद्यार्थियों के बहुत अच्छे कॉमेंट्स आए थे कि प्रैक्टिकल फॉर्म में ऐसे ड्रग पढ़ के हम जल्दी से नहीं, नहीं, हो सकते हैं। मेरा तो यही अभिगम होता है कि हम जो भी बच्चों को पढ़ाए उससे बच्चे कुछ न कुछ प्रोडक्ट बनाए और पैसा कमाने लगे। ऐसा नहीं कि पढ़ के जाए फिर कुछ काम में ना आए, कोई ऐसी चीज बताए जिससे उसको कुछ काम आए और पैसे कमाने लगे। बराबर जी, 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 जी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत अगले हाँ। अगले शुक्रवार से जरूर बताएंगे। बराबर जी जी, अगले शुक्रवार से मैं सबसे पहले अपना प्रेरक प्रसंग वहां से हटा के सबसे पहले आपका ड्रग ही हम ना, ना, बिल्कुल, 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 और बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी, उसके अनुसार आप जो भी एक ड्रग हमें पढ़ाएंगे उससे 10-15 मिनट में वार्म अप करके फिर हमारे मेन स्पीकर बिल्कुल 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 बिल्कुल, आ जा, बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर विरल भाई शाह। हम हाँ जी, हम नेक्स्ट शुक्रवार तक आशा करती हूँ कि सब अपने अपने कर्तव्य को, आयुर्वेद को ईमानदारी से पढ़ने के लिए और इसको फिर अप्लाइड फॉर्म में लाने के लिए सभी कोई मेहनत करेंगे, क्योंकि मैं इतने साल 22 इयर्स आफ्टर एमडी और दूसरा पढ़ाई का टाइम गिन ले तो 32 इयर्स से मैं ये समझती हूँ कि आयुर्वेद के प्रत्येक अध्येता, विद्यार्थी, शिक्षक और चिकित्सक सभी को ये दृढ़ विश्वास है, चाहे वो आयुर्वेद की गोली कभी जिंदगी में खाए के नहीं खाए, कि आयुर्वेद बहुत अच्छी साइंस है। तो मैं ऐसा सोच समझती हूँ कि हम इसकी साइंस को प्रायोगिक रूप में जन समाज में साथ में लेके जाए और ये हमारा उचित कर्तव्य है, है ना। मैं ऐसे सोचती हूँ कि जैसे कोई व्यक्ति बीमार पड़ा है और हमारे पास दवाई प्रेजेंट है और हम अगर नहीं दे रहे हैं तो ये मेरी विचारधारा है कि हम कहीं ना कहीं अपराध कर रहे हैं, है ना। ये ठीक बात नहीं है, मोरल बैकग्राउंड पे ये ठीक बात नहीं है। यानी हमें आयुर्वेद को दी बेस्ट तरीके से पढ़ के उन सभी आर्तजनों को स्वस्थ करने की पूरी चेष्टा करनी चाहिए और स्वस्थ के स्वास्थ्य का रक्षण करना चाहिए। आइए हम सब मिलके आयुर्वेद के लिए काम करते हैं और आयुर्वेद भारत की राष्ट्रीय चिकित्सा पद्धति बने, इसके लिए बहुत ही दृढ़ प्रयत्न करते हैं, सबल प्रयत्न करते हैं और मुझे लगता है कि एक दिन हम अवश्य अपनी मंजिल को पाएंगे। आप सभी का अभी तक साथ और सहकार के लिए बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। डॉक्टर हार्दिक चुड़ासमा, डॉक्टर शशि, डॉक्टर शाल्वी, डॉक्टर विरल भाई, आज की हमारी स्पीकर डॉक्टर क्षिप्रा मैडम और आज की हमारी विशिष्ट अतिथि डॉक्टर गीता मैडम और डॉक्टर ममता, सभी का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। मैं चैट बॉक्स में नहीं लिख पाई क्योंकि वो पीपीटी प्रेजेंट हो रही थी तो उसमें कुछ दिक्कत हो रही थी, फिर वो सीन उसमें नहीं आ रही थी। डॉक्टर दीक्षा खतुरिया, डॉक्टर खुशवंत, सभी का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। अभी हम एक साथ में ही शांति मंत्र बोलेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। सभी का हृदय से धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मोनालिसा जी का नाम थोड़ा रह गया, मोना जी आपका भी बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। आयुर्वेद प्रेमी हमारे हर एक लेक्चर में मीन्स ये बात है कि मैंने उनको कहा कि एक बार वो कुछ व्यस्त थे, मैंने कहा कोई बात नहीं इसकी वीडियो मिलती आप देख लीजिएगा, तो कहते नहीं नहीं लाइव देखने में जो मजा आता है वो वीडियो देखने में कहाँ है। काश ऐसे मुझे स्टूडेंट्स भी मिल जाए कि जो बिल्कुल ऐसे सामने से सुने, तुरंत प्रश्न भी करे और आयुर्वेद की नैया को एक अच्छा खेवैया मिल जाए और हम इस सागर को पार कर दे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, हार्दिक धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। नमो नमः, नमो नमः, नमो नमः।